गौर ज्ञान सलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुते नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकानन्द श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावे तुलसी देवी प्रिया हरि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद संग्रहाध्यक्ष हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत रूप साष्टांग तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति विलास श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को भी जता दुख प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्री रूप गोस्वामी के जो दिव्य चरित्र है कितना दिन से सुन रहे हैं? छह दिन दस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस सातवां दिन से हम इनकी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इनकी इतनी कथाएं हैं, इनकी इतने ग्रंथ हैं, अगर जीवन भर भी हम सुनते रहेंगे ना तभी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने जीव कल्याण के लिए इतना इतना बार उन्होंने कॉल कर गए। अभी लोग हम लोग कुछ दिन से ग्रंथ से हम लोग कुछ कुछ कथा श्रवण कर रहे थे, उसमें एक श्लोक को आज सुनेंगे, जिस श्लोक को श्री गुरुदेव प्राय करके जब थोड़ी सी बात में उनको बहुत कुछ बात बताना हो तब ये श्लोक गुरुदेव उच्चारण कर देते। तो जो कौन सा श्लोक है? तन्नाम रूप चरितादि सुपीर्तनानो क्रमेण रसना मनस निजतु। ये जो श्लोक को गुरुदेव प्राय करके गुरुदेव बोलते थे। तन्नाम कभी जितने सारे उपदेशों में कभी ये जो उपदेश ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश, अगर जीवन में इतनी सी बात अगर हम जीवन में अपना ले सब जो जीवन में हमारे सब कुछ करना हो जाएगा। आज सुनना कल सब कुछ पूछूंगा, ठीक है? मैं देखूंगा मेरे कौन बोल पाए। पहला बोले तन्नाम। तन्नाम मतलब है जो भगवान का नाम को ग्रहण करनी चाहिए।
कहते भगवान का नाम में दो तरह का नाम है, कितने तरह का नाम है? दो तरह का। कहते एक नाम है गौण नाम और एक नाम उनकी मुख्य नाम है। बोले गौण नाम किसको कहते हैं? बोले जिस नाम में भगवान की भगवता की प्रकाश हो, जगत नियता परमेश्वर परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का अधीश्वर है, जिसमें उनकी विभूति महिमा की उनकी प्रकाश होता है ऐश्वर्य। कहते माधुर्य नाम किसको कहते हैं? जिसको द्वारा उनकी मधुरता और जिनको द्वारा उनकी लीलाओं की लीला युक्त जो नाम है, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, मधुसूदन है, दामोदर है, राधा का के नाम लेते ही अपनी आंख को उनकी लीला प्रकाश होता है। राधा का क्यों? राधा की का जो कांत है। जसोदा नंदन क्यों? जसोदा का जो दुलारा है। दामोदर क्यों? मैया की प्रेम में जो उखल में बंध गए थे, जिसको द्वारा उनकी माधुर्यता की जिसमें प्रकाश पाता है। नारायण है, राम है, कहते कि नाम की माधुर्य नाम है। कहते इन्हीं नामों में भगवान के अनंत नाम, लेकिन इन्हीं नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा नाम है? इन्हीं नामों में जिसको शंकर पार्वती के संवाद में है, एक दिन माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते, बोले प्रभु किसका नाम को ग्रहण करे? बोले पार्वती हैं आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना करे। जितने नामों में भगवान विष्णु का जो नाम है सर्वश्रेष्ठ। कुछ दिन बाद युद्ध है, जब कुछ दिन तक शंकर पार्वती राम भगवान विष्णु का नाम ली, कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी हैं फिर पार्वती को बोले पार्वती भोजन लाओ। बोले पहले भजन बाद में भजन, अभी भजन अभी हुई नहीं, आप भजन क्या बड़े जल्दीबाजी करते, अभी भजन तो पूरी करने दो। तब शंकर जी बोले देखो तेरे को और एक सरल नाम बताता जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ क्या है? बोले राम रामति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम श्री राम नाम वरान। बोले हे सुंदरी पार्वती, जो प्रभु का राम का जो नाम बड़ा मीठा नाम, बड़ा प्यारा नाम है, अगर इसने 1000 विष्णु का नाम लिया, अगर एक बार केवल राम का नाम ले लेना उसको ही फल मिलेगा। बोले वाह बढ़िया बात है। इसलिए तब से माता पार्वती रघुपति राघव रघुपति प्रभु राम का नाम लेते। देखो आप लोग जो कथा सुनते ध्यान देकर सुनते हैं ना, कथा सुनकर पलक झाड़ करके यहाँ से चली जाती है। ये इतना देर से जो कथा सुन रहे हो, इतने ज्ञानी हो जानी चाहिए, हम अड़ोसी पड़ोसियों को भी कथा सुना करके उनको भी भजन में ले जाते, ऐसे नहीं यही सुने और यही छोड़ कर चले जाता। ध्यान देकर सुना, हम जब अगली बार आऊंगा गुरुदेव कहते थे हर व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आना, लेकिन जब अगली बार आओगे ना कम से कम आप लोग मेरे को दिखाना एक व्यक्ति को हम भगवान की कथा सुना करके भक्त किया, एक व्यक्ति को कम से कम मेरे को दिखाना। महाराज जी आप जो कह रहे थे 10 व्यक्तियों को लगाना, मैंने एक पुष्प को हम ठाकुर जी के चरण में लाए, और वो जो पुष्प है ना, देखो साधारण पुष्प चढ़ाओ थोड़ी देर बाद मुरझा जाएगी खत्म, लेकिन अगर किसी जीव को ले आओगे ना वो जितने परिमाण से प्रभु की भक्ति करते रहेगी उतना फूल खुशबू जाएगी। और एक दिन जैसे हमारे महाराज जी ऐसे भक्ति किए जिनकी खुशबू केवल भारत में नहीं संपूर्ण पृथ्वी में जिसकी खुशबू गई, और कितने भौरा विश्व ब्रह्मांड के इतने व्यक्ति प्रभु की भजन में लाए, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सबसे ज्यादा मैं उसे प्यार करता हूँ कि जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे, और ये मेरे को भूल करके संसार में दुख कष्ट उठा रहे हैं। अगर ये भले भटकते हुए जीवों को अगर मेरे पास में कोई ले आए ना, हैं जैसे किसी का एक बेटा कहीं खो गया, पिता थोड़ी दुखी रहेगा, बड़ा दुखी रहेगा, सुखी रहेगा थोड़ा दुखी रहेगा, अगर वो बच्चे को कोई पकड़ करके ला दे पिताजी के पास, पिता बड़ी खुशी रहेगा, भैया भैया बेटे को करे ला, ठीक है ना।
इसलिए हम देखेंगे अगली बार जब मैं आऊंगा, अब कितने बहुत बहुत कितने भक्तों को कथा सुनाया और लेकर के आया, पड़ोसी पड़ोसी को मेरे को बुलाना, महाराज जी मैंने एक फूल बुलाया ठाकुर जी की चरण में चढ़ाने को, ठीक है ना, और तो लाइए हाथ उठाओ, वीडियो बन रही दिखाओ जल्दी। हाँ देखो वीडियो दिखा देखो, इस सारा दुनिया में जा रही कथा, ये पृथ्वी में जा रही है, इतने लोग हाथ उठाए और जीवों पर सब हाथ उठाओ। देखो देखो जब किसी इधर सुना, जब किसको भक्ति में लाना चाहोगे ना, उसको पीछे आपको थोड़ी समय देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, भगवान की कथा बोलना तुम्हें पड़ेगा, है तब तक इसको लाओगे ना, लाओ कर दे इसे। इसलिए इसलिए रघुपति राघव कहते, अभी कुछ दिन बाद में माता पार्वती जब काम करते रही, फिर शंकर जी कुछ दिन बाद में बुलाए, बोले पार्वती भोजन लाओ, बोला बड़ जल्दी बड़े जल्दीबाजी करते हो, अभी भजन पूरी नहीं, भजन भोजन पहले, भजन बाद में भोजन, अभी भजन करने दो। फिर बोले इधर आ, तेरे को और एक सरल उपाय बताता हूँ, जो काम परिश्रम में तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा है। बोले बताओ भैया कौन सा नाम है, बताओ कौन सा श्लोक है, किसको याद है, कौन बोलेगा, माता जी क्या। अब पहले सब जान क्या बोल रहा, ये ऐसे कौन सा श्लोक है जिस श्लोक में ये बता रहे हैं, जिस श्लोक में ये बता रहे हैं कि कृष्ण राम नाम से कृष्ण नाम की श्रेष्ठता, कौन सा श्लोक, श्लोक तो याद रखो, अगली बार जब आपका सब श्लोक याद रखनी चाहिए, इसे सब श्लोक को नोट करनी चाहिए। देखो इधर सुना, अच्छे श्रोता कौन है, जो कोई नई बात सुना है ना उसको नोट करे और जाकर के घर में उसको पढ़े, तब ये अच्छे के श्रोता को लग गए, और अच्छे श्रोता नहीं ये जानता है सुनकर बेकार है, एक बार सुनकर पल उधार के चले जाए तथा यही अधिकार होता है, ये अच्छे श्रोता के लेकर नहीं, जो सचमुच से सीखना चाहता है जीवन में कुछ क्या करनी चाहिए, नोटबुक और पेन और नोटबुक लाना चाहिए, नोटबुक और पेन लाना चाहिए, और सब चीज को लिख करके ले और उसको नई चीज को याद करो। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ना, कृष्ण भक्ति प्रमाण क्या है, कृष्ण भक्ति का श्रेष्ठता प्रमाण कहाँ है, ये प्रमाण हमें देनी चाहिए। इसलिए बोले जब कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम करता है, बोले 3000 विष्णु का, 3000 विष्णु जो नाम, 3000 विष्णु नाम को करने पर जो फल मिलेगा, फल एक बार से कृष्ण नाम करने से वही फल, मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम और 3000 विष्णु का नाम। पार्वती बोले प्रभु फिर तो कृष्ण ही कृष्ण ही बोले, हाँ पार्वती जो कृष्ण है ना ये पूर्ण ब्रह्म ही कृष्ण, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, ये इंतजार सकला पुरुष कृष्णस्तु, क्या करता है सुनता है, इधर कल तेरे को नंबर आए काफी लेकर बैठो, केवल वृद्धा हो जाता है, अब पीछे जाकर बात करता है दोस्त, डॉक्टर के हाथ में इसलिए यहाँ पर बताए हैं कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, तब से माता पार्वती क्या करती थी, भगवान कृष्ण की नाम जप करती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी भोजन मांगे, बोले जल्दी भोजन ला, बोले अभी भजन खत्म नहीं है, भोजन जल्दी करते हो, अभी भजन भजन ही खत्म नहीं हुआ, बोले पार्वती इधर आओ और एक सरल नाम बताता हूँ, जो जो नाम कम नाम से तुमको ज्यादा
फल मिलेगा। बोले बताओ कौन सा नाम। बोले देखो कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। कृष्ण खुद कहते बोले हे चंद्रमा, जो व्यक्ति 100 बार मेरा नाम बोले, कितना बार ले 100 बार मेरा नाम ले, जो फल मिलेगा एक बार श्री राधा नाम से वही फल मिलता है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जोर से बोलो, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते। शंकर की पार्वती बोली प्रभु है तो आज से राधे राधे और कोई बात ही नहीं बोलेगा, आज से क्या कर कौन सा नाम लेंगे, राधा रानी का नाम लेंगे। इतने में शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य। बोले क्या रहस्य है, आप तो खुद बोले। बोले ये रहस्य है, अगर तुम राधे राधे बोलोगे ना, इसलिए बोले राधे राधे रटो चले आएंगे। अगर तू राधा जी का नाम लोग तो राधा जी नहीं आएंगे। बोले कौन आएंगी, बोले बिहारी जी आएंगे। और तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, इसलिए राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती है। बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डालती हो, अभी राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो। बोले दोनों का नाम लो, दोनों का नाम लो। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण हरे राम हरे राम जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसलिए कभी हरे कृष्ण, हरे मतलब श्री राधा और कृष्ण मतलब श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। इसलिए जो नाम है पहले हरे मतलब राधे, कृष्ण मतलब कृष्ण, राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये राधा कृष्ण की पूर्ण नाम है। जितने नामों में जो सर्वश्रेष्ठ जो माधुर्य नाम है, यही नाम सर्वश्रेष्ठ माधुर्य नाम भगवान का। ये कलियुग का यही महामंत्र, कलिजु का यही महामंत्र। इसलिए रूपो गोस्वामी कहते हैं तन्नाम, पहले क्या करो भगवान की नाम को जप करो तन्नाम। बोले बोले रूप, उसके बाद में भगवान की जो रूप है उसको भी याद करो, उनके रूप को भी स्मरण करो। इनके रूप में भी कृष्ण का भी अलग अलग रूप है। कृष्ण जब वैकुंठ में रहते हैं ये ऐश्वर्य रूप है, अभी जब अयोध्या में रहते राम रूप में, उसके बाद में जब द्वारका में रहते हैं जब पूर्ण और मथुरा में पूर्ण तर, और जब वृंदावन में रहते हैं बुद्ध नंदन की ये रूप है। और पूर्णतम रूप में भी कहते वहां पर तीन रूप बताए ना, एक शंकर रूप है, एक वात्सल्य और एक मधु। कृष्ण तो सुंदर है, जैसे बोले हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण बड़े खुश हो गए मेरा नाम ले रहे हैं। तो उसको बाद में बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण कौन है, करुणा की समुद्र है, बड़े कृष्ण खुश हो। फिर बोले तीन बंधु, भगवान कौन तीनों का बंधु कृष्ण, और कुछ हो गए और बोलो और कुछ है। बोले जगत पति, बोले कृष्ण कौन है, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक जगत का पति कृष्ण, और कुछ हो गए आगे कुछ है। बोले गोपी सह, कृष्ण कौन है, गोपियों का ईश है कृष्ण, और भी कुछ है। बोले और कुछ है, हाँ बोले कौन, बोले राधा कांत नमस्ते। कृष्ण कौन है, श्री राधा रानी की प्रियतम है, बोले कृष्ण पूछो कुछ बोलो। जैसे भी कृष्ण का रूप बहुत है, कृष्ण सुंदर है, लेकिन जब कृष्ण को पास में से राधा रानी खड़ी होना, कृष्ण और भी सुंदर हो जाते हैं। इसलिए बोले तद नाम, कहते रूप क्या करनी चाहिए, भगवान की
रूप को ध्यान करनी चाहिए। बोले कौन सा रूप है? प्रतिपद वृंदारण्य कल्प द्रुमाधव श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री लघुवृंद देवौ भ्रष्टाली विसर्पमान स्मरामि। देखो नियम है, जब हम ठाकुर को पूजा करने बैठते हैं ना, नियम है इसी रूप को ध्यान करनी चाहिए। कैसे गोलोक वृंदावन में सुंदर कल्प विख्यात, कैसे सुंदर रत्न की सिंहासन वहां पर है, रत्न सिंहासन। और रत्न सिंहासन में कौन बैठे? जुगल श्री राधा गोविंद बैठे। बोले और भ्रष्टालिनि, उनको पास में कृष्ण सुंदर तो है ही है। उदाहरण दिया जैसे एक तमाल वृक्ष सुंदर है, लेकिन और कम सुंदर होता है जब उसमें एक लता चढ़ी जाती है, और सुंदर होता है। लेकिन और कम सुंदर होता है जब उसमें पत्ते आ जाए। बोले लता कौन है? बोले राधा रानी। कृष्ण सुंदर तो है, लेकिन जब राधा रानी पास में खड़ी होती ना, पास कृष्ण और भी सुंदर हो जाते। देखो कृष्ण तेरी जगह से टेढ़े हो जाते हैं, जानते हो क्यों तेरी जगह से टेढ़े हो गए? क्यों कहते क्या क्यों टेढ़े हो गए? इसलिए जब राधा जी के पास में खड़े होते ना, कृष्ण ना अपना की अपना संभाल नहीं पाते, कृष्ण अपनी आप संभाल नहीं पाते। वो प्रेम से ना तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हो जाते हैं, प्रेम से कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण और सुंदर, लेकिन जब उसमें पत्ते आ जाए फिर और सुंदर। बोले पत्ते कौन है? बोले जितने ललिता विशाखा चक्रलता तुम्ब विद्या चित्रा सुचित्रा रंगते विशुदे, जब ये हो कृष्ण और सुंदर। लेकिन जब उसमें फूल आ जाए मंजरी आ जाए, क्या सुंदर हो जाता है, पूरा लता की पूरा सुंदरता बढ़ जाती है। कहती है मंजरी कौन है? बोले उनके साथ में रूप मंजरी गति मंजरी लभक मंजरी, जब ये सब मंजरी सखियां हो जाए ना, कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण की सुंदरता आती है। इसलिए यहाँ कह रहे तन नाम रूप भगवान की, इसी रूप को ध्यान करनी चाहिए। तन नाम रूप, उसको बाद में कहते चरितादि भगवान की जो दिव्य चरित्र है, भगवान की जो सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं। इसलिए भगवान की सुंदर सुंदर चरित्र को कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर सखाओं के साथ में कैसे लीला करते हैं, कृष्ण कैसे भक्तों का वशीभूत हो जाते हैं, कितने भक्त वात्सल्य भगवान के अंदर में, उतना कैसे मांगने के लिए आई, लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु थे, ठाकुर जी कितने दयालु, ठाकुर जी जहाँ पुतना जो अपवित्र थी, जो स्तन में जहर लेकर के आए थी, जो राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली, लेकिन हमारे कृष्ण देखो कितने सुंदर कृष्ण, कृष्ण कितने दयालु, ऐसे व्यक्ति को भी ठाकुर जी बोलो के वृंदावन के भाई पद को स्थान देते। बोले इसलिए क्या करने वाले? उनका नाम रूप गुण है चरित्र को सुकीर्तनानो, क्या करनी चाहिए? बोले केवल कीर्तन नहीं, केवल केवल कीर्तन नहीं, सुकीर्तन। सुकीर्तन मतलब क्या है? काय मन वाक्य मन से एकदम उसमें डूब जानी चाहिए, हैं? सुकीर्तनानो बोले कैसे? बोले क्रमेण रसना मनोसिनी चाहिए। कैसे? उनका नाम रूप गुण को याद करनी चाहिए। बोले क्रम से रसना, पहले ये जिह्वा को उसमें लगा रसना। आप देखना जिह्वा में जो कुछ करोगे ना, जैसे हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे देखना जिसमें अपना रसना आप जिह्वा को लगाओगे ना रसना, उसके बाद में मनसी, उसके बाद में फिर मन को लगाओ, और जिह्वा लगाओगे मन तो आपके आप लग जाएगा। अब जिसकी गुण गाओगे जिसकी महिमा गाओगे मन तो उसमें ही लगे। इसलिए पहले सबसे पहले क्या लगाओ? इसलिए महाप्रभु बोले परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, जितने तरह का भक्ति का अंग जो सर्वश्रेष्ठ अंग है भगवान गुण महिमा गाना और ठाकुर जी के नाम संकीर्तन करना। जब करोगे बोले उसको द्वारा सारे भक्ति के अंग जागृत हो जाना,
सारे भक्ति अंग प्रभु का कीर्तन से सारे भक्ति अंग जाते हो जाता है। इसलिए पहले जीवा को लगाओ, उसके बाद मन मन रखना मनस की यज्ञ। बोले भैया भक्ति कहाँ पर रह कर करनी चाहिए? प्रतिष्ठा न प्रति भक्ति करना तो वृंदावन में रह करके भक्ति करो। कहाँ रह करके? वृंदावन में रह करके। बोले सब घर बार छोड़ कर वृंदावन चले जैसे, अरे हमारे बीबी बच्चे दुनिया दाली काम काम फल पर चलेगा, अरे वृंदावन जाएंगे भाई बगैर पैसा के थोड़ी आप घट में रहने दे कर। अब तो बगैर पैसा का रहने भी नहीं। और फिर वृंदावन कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं शरीर से है मन से शरीर भले ही काम पर जाते हैं। ओहो कहते मन से वृंदावन में मन को द्वारा वृंदावन में वास करनी चाहिए, भले ही शरीर यहाँ पर हो लेकिन मानसिक रूप में ब्रजवास करो। शरीर का जितने महत्व है ना, लेकिन उससे ज्यादा महत्व बताए कि ये मन की महत्व है। जितना शरीर से रहना महत्व, उससे ज्यादा जो महत्व मन है। आप वृंदावन में जाओगे देखना, जमुना के जाओ तुम जाना देखो, सिगरेट फूकते हुए देखो, देखना शराब पीते हैं वृंदावन में रहकर, शराब भी पी रहे वहां पर, गुटखा भी खाते हैं हैं और चोरी भी करते हैं। बाकी जाए मंदिर में जाओ पकड़ में कुछ लेकर जाओ खाओ तो पूरा खाली लेगोगे, कुछ पकड़ में लेकर जाओ ना आप घूम कर आओगे हरियाणा जो भी सोच नहीं सकते। मैं किसी काम पर पुलिस मैंने में गया था, आप लोग लाइट लगे हुए थे, लोग लाइट लगे हुए थे, हमारी ये चली गई हमारी ये चली गई हमारी ये चली गई, इसको ब्रज में रहते हैं, इसको ब्रजवास नहीं कहते, इसको ब्रजवास नहीं कहते हैं। इसलिए तुम्हारी चिंतन जैसे है ना तुम वहीं पर रहते हो। तुम लोग यहाँ जो बैठे हो ना, कोई अशोक नगर कोई खोरा कोई और जहाँ, तुम लोग सही वृंदावन वास कर तुम्हारी ब्रजवास हो रही है। गले में कहती हो तिलक हो, घर में ठाकुर को पूजा सेवा करते हो, ठाकुर को भोग लगाते हो, ठाकुर का कीर्तन कर रहे हो, सही ब्रजवास हो, तुम भी सही सही वृंदावन वास कर रहे हो। लेकिन जो वृंदावन में रहते हैं है? अगर उनका मन और कहीं है ना, तुम्हारे मन जहाँ पर तुम वहीं रह रहे हो, तुम्हारे मन जहाँ तुम वहीं रह रहे हो। अगर मन अगर 24 घंटा में ठाकुर का नाम कीर्तन भजन पूजा कर रहे हो ना, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्तों का जो घर नहीं मेरे भक्तों का घर ही वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने गोलोक वृंदावन को पूरा राधा रानी का निकुंज महल वृंदावन का मैंने यहाँ ऊपर उतार दिया। इसलिए मेरे भक्तों का जो घर घर है यही भगवान की धाम वृंदावन, ठीक है ना। इसलिए घर में क्या करो, जो कुछ करो हाथों में ठाकुर को सेवा मान कर करो और उनमें भगवान का नाम जप करो। जो कुछ काम करते हो रसोई बनाते हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए। घर साफ करती हो क्या समझो भगवान की मंदिर को साफ कर रहे हो। जैसे गोपियां वो थोड़ी त्यागी साधु संन्यास थोड़ी, वो भी तो घर में रहती थी, लेकिन हाथों में जो कुछ करती हैं, जैसे बच्चे को थप थप लगा कर सुलाती हैं, लेकिन मुंह से क्या बोलती हैं? बोले गोविंद दामो जय माधवी, गोविंद दामो जय माधवी, गोविंद दामो जय माधवी, गोविंद दामो जय माधवी। इधर रोसी बनाती है, जैसे सौंप देती है ना, सौंप देती हो तेल में जैसे पीरी, नहीं तो सौंप दिया जीरा बाप, उसको देखते ही देखना जब जल जाती है काला हो जाती है, पक जाए काला हो जाती, उसको देखकर कृष्ण को याद आता है कन्हैया की रंग है। सौंप देती है ये, लेकिन याद किसके आती है? हरे कृष्ण का रंग ये सौंप है। अरे हाथ में रसोई बनाती है, मुंह में क्या करती है? बोले हे कृष्ण हे गोविंद हे सखेते गोविंद दामो जय माधवेति, गोविंद दामो जय माधवेति, गोविंद दामो जय माधवेति।
बोले ब्रज में रह करके भजन करो, बोले कैसे भक्ति करनी चाहिए, बोले तदानुरागी जनानुगामी है। बोले जो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति दो तरह के, कितने तरह के, क्या क्या है, पर एक है वैदिक भक्ति और एक है राग भक्ति, दो तरह का है। कभी जो वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, शास्त्र की शासन के अनुरूप जो भक्ति करना है, इसलिए जो वैदिक भक्ति के भक्त उनको क्या करनी चाहिए, जो वैदिक भक्ति जो भक्ति करते हैं उनकी अनुभक्ति में करनी चाहिए। बोले जो राग भक्ति, राग भक्ति मतलब जो स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक रूप में भगवत चिंतन में मन को समझाने पर भी नहीं कृष्ण चिंता मत करो, तभी मन कृष्ण की तरफ जाता है। इसलिए जो स्वाभाविक रूप में ठाकुर का प्रति जो प्रेम है स्वाभाविक रूप में, इसको कहते राग भक्ति। इसलिए ऐसे भक्तों की जिसका जो स्थिति है उसके अनुरूप ऐसे भक्तों की अनुगत्य पर रहते हुए क्या करो, बोले तदानुरागी जनानुगामी। इसलिए तद अनुरागी, तदानुरागी कौन है, बोले जो ब्रजवासी, जो श्री ब्रजवासी जो स्वाभाविक रूप में कृष्ण चिंतन में जो डूबे हुए ऐसे भक्तों के अनुगत्य में है रहते हुए क्या करनी चाहिए, बोले काल नये अखिल उपदेश सारा, ऐसे ही संपूर्ण जीवन को भजन में लगा देनी चाहिए। तब ये जितने सारे उपदेश रहे ना, ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश। अगर इतनी सी बात अगर कोई जीवन में अपना ले बात जीवन रहने होते, इतनी सी अगर बात जीवन में आचरण में लाभ क्या होगा, हमारे जीवन धन्य हो जाएगी। तब जितने सारे उपदेशों में ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये उपदेशा वृंदर ने जो एक एक उन्होंने जो श्लोक बताया ना, अद्भुत श्लोक बताए। एक एक श्लोक का विवेचना करोगे तो अभी तो मैंने इसका पूरा अर्थ नहीं बताया, इसके आदि अर्थ है, इसके आदि अर्थ कल सुनोगे। श्रवण दशा, स्मरण दशा, स्मरण दशा किया, वर्ण दशा किया, उसमें सब चीज को टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी गहरी 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 इसी श्लोक ऊपर ने बड़ी गहरी गहरी बात बताए। ये श्लोक में श्री रूप गोस्वामी क्या हमें समझाना चाहते हैं, इसलिए सारे प्रदेश में एक प्रदेश साथ बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय, पिताई गौर ब्रह्मा की जय। देखो मैंने कहा था अगर हमारी माताओं के अंदर में अगर किसकी इच्छा हो ना कथा सुनने के लिए, हम आपको भी सुझाव देंगे। हमारे भाई लोग तो ब्रह्मचारी लोग भक्त लोग कह रहे हैं, पुरुष लोग किसने आज को कौन बोलना चाहते हाथ उठा दो, कोई दिख नहीं रहे, एक माता जी है, कहा है कि हमें तो देख नहीं रहा, कौन माता जी है, हरे कृष्णा जी इधर आ जाओ, अरे मेरे को तो दर्शन दो, खड़े हो जाओ। क्या क्या नाम है, शशिकला माता जी, शशिकला माता, अरे इधर आओ ना, कितना बुलाएंगे, तुम बोल रहे थे आज मैं बोल रहा था, बोल रहा है हम दादा जी प्रतिज्ञा जी लोग आख्या से पूछ सकते हैं ये श्लोक ऊपर बोलना चाहते, इधर आओ जितना ये बोल सकते ना बोलो, इधर आ जाओ तुम लोग खड़े हो, हमारे बीच में एक मंदिर का आशी है, जब भी बोल तो मैं कुछ बोल लो, आप इधर खड़े देखो अगर तुम लोग भी बोलना चाहोगे ना, अगर तुम लोग भी बोलना चाहोगे कोई अब तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, उनका बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे इधर सुना
जैसे उपदेशामृत हिंदू ग्रंथ पहले उसमें करके कितना श्लोक है उपदेशामृत में, कितना श्लोक है? ग्यारह श्लोक है। उसमें एक एक श्लोक को अगर उनको विषय पर बोल पढ़ कर करना पड़ेगा। एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु और देखो, उसमें भक्ति तत्व को पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताया। एक लघु अर्वतामृत की ग्रंथ है, एक भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें तो इतने हैं जो बोलना हो वो ग्रंथों को संग्रह करके उसको थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोलना चाहते हैं तक आप उनको विषय पर कुछ बोल सकते। बोलो क्या? ओह ज्ञान तिमर से ज्ञान रंजन शाखाय चक्षुरो विदितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वांछा गर्भतरूभ्य श्वेता सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरविस्ताय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधाम महाराज जी के चरणों में जनपद प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी माताएं बहनों के चरणों में जनपद प्रणाम करती हूँ। अभी कुछ समय पहले से दामोदर प्रभु जी घर पर क्लास कर रहे भक्ति विवेक तत्व के बारे में, तो उसमें से थोड़ा सा ये जो बदबुद्धि है उसमें जो भी समझना है मैं उसमें से आपको एक श्लोक के जरिए कुछ सुनाना चाहूँगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिकारिणम कृष्णे कृष्ण कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। तो उसमें ये बताया गया है कि जितने भी जो ये ग्रंथ है, ग्रंथ के जरिए जो हम ये भक्ति तत्व है, ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उसमें भक्ति का विशेष रूप से पूरा अनुसरण बताया गया कि कितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें एग्जांपल्स के जरिए कि क्या क्या है। पहले है कि हरि शुद्ध भक्ति का अनुसरण करने से जो भी हम अपराध रहित भक्ति हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या अपराध रहित जितने भी रूप हमारे जो भी रेगुलेशन है सब उसमें फॉलो करने का वो बताया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि जब हम ये ग्रंथों को हरि वैष्णव जन और गुरु जी का हम संग करेंगे, जितना हम हरि भक्ति और संग करेंगे तो उससे ये होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे अपराध है हम अपराध में भक्ति करेंगे और फिर उसके बाद और जितना जितना हम संग कर करके वो है और जितना हम उनका संग करते करते भक्ति करेंगे तो जितना अपराध है वो अपराध हमारे क्षमा हो जाएंगे। एक मैं आपको कथा सुनाऊंगी। कथा के जरिए एक वो थी, एक महिला थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो वो उसके यहाँ से ससुराल वालों के यहाँ से एक नतनी आती है, तो उसने वो कहती है कि सारे जितने भी लोग थे उन सबको बोलती है कि मेरे तो ससुराल से ये नतनी आई है और सबको वो बताती है। तो उसके जरिए ये बताया गया है कि जितना हम लोग जो ये जीव जड़ जगत की चीजों में हम लोग इतनी बुद्धि लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, वहाँ हम बुद्धि ना लगा करके गुरु वैष्णवों का संग करके हरि कीर्तन करके हरि चर्चा करके और जितना हम गुरु वैष्णवों का संग करेंगे उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। जैसे कि स्कूल में एक स्टूडेंट होता है, वो जब तक टीचर का संग नहीं करेगा तो आगे वो आगे पढ़ नहीं सकता और ना कुछ जान सकता है। तो इसी प्रकार जब तक हम गुरु वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे और हरि चर्चा और कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हम भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। अभी आजकल गुरुदेव इतना आए हुए हैं, हमारे पीछे इतना समझ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है कुछ भी समझ नहीं पाते और कुछ भी हम जान नहीं सकते और ना कुछ कर सकते। और क्या होता है, हम यहाँ पे आते हैं, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या है, ये बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। वो कैसे बैठेगा जब तक गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होगी, उनका अनुगत्य हम लोग नहीं करेंगे। कोई नहीं, आज नहीं आ रहा है, कल तो आएगा, किसी दिन तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तक उनका अनुसरण करके उनका संग करेंगे, जब तक उनके चरणों को पकड़ लीजिए,
जब तक नहीं आ रहा गुरुदेव नहीं आ रहा बता दीजिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो इसी वजह से तो एक हफ्ते से गुरुदेव आ रहे हैं और सभी चीजें हमें बता रहे हैं। तो यही चीज है कि जब तक हम गुरु वैष्णवों का संग करेंगे और ये ग्रंथ जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं भक्ति द्वेग तत्व, अभी वो धीरे धीरे हम उसे पढ़ रहे हैं और जितना होगा इस बुद्धि में समझ में आएगा उतना समझने की कोशिश करेंगे। और गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि जितना इस बुद्धि को समझाने के लिए कृपा कीजिए गुरुदेव और जो भी है उसे बताने का कष्ट करें। हरे कृष्ण, आपने देखो कोशिश किया कुछ बोलने के लिए बहुत बढ़िया, खड़े होकर के शब्द सामने बोलना ना हाथ शरीर कहाँ बोलता है, क्योंकि दुनिया की बात तो हम बोल देते हैं लेकिन जब आप ठाकुर जी की कोई बात बोल ना बड़ा कठिन मुंह से कोई बोली निकलना। उसने कोशिश की साहस की ये बहुत बड़ी बात है, उसने साहस किए, उसने की जो श्लोकों को उसने बताई ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए गुरुदेव क्या करते थे कि ध्रुव गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति का डेफिनेशन दिया है। गुरुदेव कहते थे भागवत में भी भक्ति का डेफिनेशन लिए सभी पुंसाप पर भक्ति जता भक्ति अध्यक्ष जय अहेतु की अप्रतियता जय आत्मा संप्रतियता। वेदों में भी उपनिषद में सांप ना परान भक्ति ईश्वर ये भी भक्ति का डेफिनेशन दी उपनिषद में है। इसलिए वहां पर भी भक्ति का बहुत डेफिनेशन दिया अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, वहां पर भी भक्ति की डेफिनेशन दिया। लेकिन इसे रूप गोस्वामी ये सारी शास्त्रों को लेकर के उनने जो एक भक्ति का डेफिनेशन बताया ये जो श्लोक इसके अंदर में सारे भक्ति का डेफिनेशन सब एक श्लोक में, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक आप लोग बताओ ये श्लोक को कौन बोल सकता है, इसका व्याख्या कौन कर सकता है, इस श्लोक को सही सही उसने जो एक एक शब्द दिया अन्यास शब्द क्यों दिया, ज्ञान कर्म का शब्द क्यों दिया, अनुकूलन शब्द क्यों बताया, ये एक एक शब्द का पढ़ा देखो। इसलिए हमने ना सुनना पड़ेगा है, हमें धीरे धीरे हर चीज को सुनना पड़ेगा फिर धीरे 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 हम सीख सकते हैं। इस श्लोक को एक अर्थ बता सकते हो उसमें तो क्या सीखो, इसलिए तो बता सकते हो देखो हमारे बोल सकते हो ठीक है बोलने तो बात में बोलो जल्दी आ जाओ। ओम ज्ञान तिम्रान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तावृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाठ पद्म पूज्यपाद श्री शिव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि अनुभव प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नेत्रिलाभविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्री शिव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि अनुभव प्रणाम करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में। गुरुदेव ने बोला है कि ये एक अद्भुत श्लोक है, इसकी रचना श्लोक अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मात्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। इसके अंदर सबसे पहला जो शब्द आया वो आया अन्य अभिलाषिता शून्य। इसमें बोला कि हमें जब भी अगर हमें भगवान की भक्ति करना है तो जितनी भी अन्य अभिलाष
जितनी भी अन्य अभिलाषाएं मतलब भगवत प्राप्ति के अलावा जितनी और हमारे मन में अभिलाषाएं हैं, जैसे स्वर्ग अपवर्ग, ये सारे स्वर्ग का सुख, उसके ऊपर मुक्ति का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, स्वर्ग का सुख, उसके ऊपर मुक्ति का भी सुख, सायुज भगवान में एक हो जाना, ये सारे के सारे सुख और अपने जितने भी नीचे, ये तो बहुत ऊपर की बात, ये तो बहुत ही ऊपर की बात है। स्वर्ग का सुख और ब्रह्मलोक का सुख और मुक्ति, ये तो बहुत ऊपर की बात है। अभी तो हमारा सब बहुत छोटी छोटी चीज में बैठे हुए, इतनी छोटी छोटी चीज में कि हमारे बच्चे के 90% आए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सुख की बात है। हमारा किसी अच्छे कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, हमारी बहुत बड़ी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाए, तो हम सोचते कि हमारा बहुत बड़ा सुख हो गया। नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। ये जो स्वर्ग और ब्रह्म, इधर तो बहुत ज्यादा सुख बताते हैं, जो पृथ्वी में जो सुख है उससे 100 गुना ज्यादा स्वर्ग में, जो यहाँ पे जो राजा महाराज यहाँ के राजा है उनसे 100 गुना ज्यादा जो सुख है वो स्वर्ग के राजा से, उससे 100 गुना ज्यादा ऐसे करते करते जो ऊपर के 7 लोग हैं उनमें, सबसे ज्यादा ब्रह्मा जी के लोग में, और उससे भी कई गुना ज्यादा सुख जो है वो मुक्ति के अंदर में है। लेकिन ये बताया कि ये बहुत ही तुच्छ है। भगवान की जो शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति से जो वस्तु प्राप्त होगी उसके सामने ये बहुत ही तुच्छ है। इसलिए भक्ति के लिए सबसे पहला इससे बताया अन्य अभिलाषिता शून्य। जितने भी हमारे मन में जो ये अन्य अभिलाषिता है ये सारे के सारे शून्य होने चाहिए। उसको पीछे कर दो, जो पीछे किसका तो ऊपर से तो पर्दा को हटा, वहां से पर्दा को हटाओ, पीछे पर्दा को हटाओ, उसको ऊपर कर दो और उसका मुंह पूरा पीछे घुमा दो। पीछे आवाज आ रही है? हाँ बोलो। तो पहला बताया अन्य अभिलाषिता शून्य, दूसरा बताया ज्ञान कर्माद्यनावृतम, मतलब जो हमारी भगवान की जो भक्ति है वो किसी भी प्रकार से ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। कर्म और ज्ञान के अधीन भक्ति नहीं है, भक्ति स्वतंत्र, ज्ञान कर्म से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि बताया कि जो भक्ति के अनुकूल जो ज्ञान और कर्म है उसको स्वीकार हमें करना चाहिए। ज्ञान से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार भागवत के अंदर हमने देखा, भागवत के अंदर हम सब सुनते हैं कि भक्ति के 2 पुत्र बताए, ज्ञान और वैराग्य, 2 पुत्र बताए। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। माता से ही तो पुत्र आते हैं, कि पुत्र से माता है, माता से ही पुत्र आते हैं। इसलिए इसमें बताया कि जो भक्ति जनित जो ज्ञान है वो भक्ति जनित जो कर्म है केवल उसी को ही स्वीकार, इस श्लोक के अंदर बोला केवल वही स्वीकार है। तीसरा बताया क्या उत्तर हो गए, पहला बताया क्या बताया अन्य अभिलाषिता शून्य, दूसरा बताया ज्ञान कर्म अनावृतम, तीसरा बताया अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। बोले अनुकूल्य का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरा बताया अनुकूल्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर में तीसरा जो पॉइंट है वो बताया कि कृष्ण के जो अनुकूल है, भक्ति के जो अनुकूल है उस कर्म को करना, भक्ति के अनुकूल। यद्यपि दिखने में वो हो सकता है कि प्रतिकूल हो, लेकिन उसकी जो भावना है वो अनुकूल होनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण है, इसमें हमारे जो गुरुदेव है हमारे टीकाकार ने श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। उसके अंदर बताया कि जो चाणूर और मुष्टिक, जो चाणूर और मुष्टिक थे, अरे सबने कृष्ण लीला में सुना ना, कृष्ण ने उनके साथ में मल्ल युद्ध किया था चाणूर और मुष्टिक के साथ में। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया और बोले कि जो 2 बड़े पहलवान मल्ल युद्ध के अंदर कृष्ण को मार देने की जो साजिश करी थी, और अक्रूर जी के माध्यम से कृष्ण और बलराम जी को कहा बुला लिया, मथुरा में बुलाया। तो जब चाणूर और मुष्टिक के साथ जब कृष्ण का मल्ल युद्ध हो रहा था, तो मल्ल युद्ध हो रहा था तो कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हृदय में, बड़ी प्रसन्नता क्यों हो रही थी, क्योंकि वो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, रसिक शेखर, हर रस को भगवान आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार वात्सल्य रस माता यशोदा के माध्यम से आस्वादन करते हैं, मधुर रस का आस्वादन करते, शांत रस का आस्वादन करते, इस प्रकार बताया कि जो वीर रस है, ये जो वीर रस का आस्वादन भगवान कर रहे हैं, जैसे बड़ा कोई पहलवान हो, बड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो, उसको युद्ध में आनंद कब आएगा, जब सामने उसका प्रतिद्वंद्वी भी उतना ही बलवान,
जब दोनों में बराबर का कॉम्पिटिशन होगा तभी तो आनंद आएगा ना, सही बात है ना ये। तो चारों लोग मुष्टिक बड़े बलवान थे, कंस को पूरा भरोसा था कि कृष्ण इनको नहीं मार पाएगा भले ही सबको मार दे। और जब कृष्ण का उनके साथ में मल्लयुद्ध हो रहा था तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद कृष्ण हार जाए। ब्रजवासी को डर लगता था कि कहां ये बड़े बड़े पहलवान और कहां कृष्ण हमारा छोटा सा बालक। लेकिन कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बताया कि कृष्ण को तो आनंद हो रहा है, कृष्ण को आनंद हो रहा है ना, लेकिन चारों मुष्टिक क्या भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की? भक्ति कर रहे हैं क्या कृष्ण की? वो तो कृष्ण को मारना चाहते हैं, उनकी भावना क्या कृष्ण को मार देना, इसलिए कृष्ण के अनुकूल नहीं है। यद्यपि दिख रहा है कि भगवान बड़े प्रसन्न है युद्ध में, लेकिन कृष्ण के अनुकूल नहीं है। दूसरा बताया, एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताया माता यशोदा जी का, इसमें उदाहरण श्लोक में उदाहरण बताया माता यशोदा जी का उदाहरण बताया कि एक समय माता यशोदा कृष्ण को गोद में बिठा करके दुग्धपान करा रही, दुग्धपान कराते 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 बड़ा ही उनको आनंद हो रहा है। कृष्ण बड़े ही प्रेम से माता यशोदा कृष्ण को देख करके बड़ा ही वात्सल्य उनके अंदर में उमड़ा, और वात्सल्य उमड़ता है और कृष्ण और माता यशोदा कृष्ण को दुग्धपान कराती है, और कृष्ण भी माता यशोदा का जो वात्सल्य रस जो प्रेम है उसको दुग्ध के रूप में पान करते हैं। अब ये चीज तो होती चली जा रही है, उसने बताया कृष्ण तो क्या है तुम्हें सर्व ईश्वर ईश्वर गजेंद्र कुमार, इस सारे जगत का पालन कर, पूरे जगत किससे चल रहा है? कृष्ण से। कृष्ण और बताया माता यशोदा जी का दुख बताया जैसे कि क्षीर सागर जिसका कभी भी खत्म होने वाला नहीं, यहाँ कृष्ण पीने वाले जब जिनकी कभी भूख मिटने वाली नहीं और माता यशोदा जिनका दुख कभी खत्म होने वाला नहीं, फिर ये कैसे होगा? और उस समय हमारे गुरु जी बताते हैं कि चूल्हे पर माता यशोदा जी ने दूध उबालने को रखा था, दूध उबालने को रखा था, और वहां पे दूध उबलते 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 दूध में उफान आया, दूध में उफान आया तो दूध ऊपर उफान के बाहर गिरने लगा चूल्हे के अंदर। तो माता यशोदा ने देखा कि दूध उधर में उतर रहा, दूध उफान रहा, तो माता यशोदा ने कृष्ण को हटाने का कोशिश की, हटाने का, कृष्ण को हटा के बिठाएगी तभी तो जाकर दूध की रक्षा करेगी ना। लेकिन कृष्ण तो और जोर से माता जी को पकड़े, कृष्ण छोड़ने को तैयार थे, उनको तो बड़ा आनंद आ रहा है दूध पान करने में। लेकिन माता यशोदा ने देखा इधर तो दूध भी उफन रहा है उधर दूध भी उफन रहा है, दोनों उफन रहे। लेकिन यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि माता यशोदा को तो कृष्ण को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बताया ना कृष्ण के लिए भक्ति करना, कृष्ण को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन माता यशोदा ने कृष्ण को उठा करके बिठाया और जा करके दूध की रक्षा कर, क्यों? अभी देखने से, और कृष्ण जोर जोर से रो रहे, कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं, बोला माँ मेरे को दूध पिलाओ, लेकिन माता यशोदा उसको कृष्ण को नीचे रखकर जाकर के दूध की रक्षा करती जो चूल्हे पे रखा है, क्यों? देखने से तो लग रहा है कि कृष्ण को रुलाया है, कृष्ण दुखी हुए, तो क्या भक्ति हुई? उधर चारों मुष्टिक कृष्ण को मारना चाहते लेकिन कृष्ण प्रसन्न है, तो वहां तो भक्ति बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि उनकी भावना क्या कृष्ण को मार देने की। लेकिन यहाँ पर माता यशोदा यहाँ कृष्ण को रख करके और जाके दूध की रक्षा करती, तो उसने बताया कि जो माता यशोदा ने ऐसा किया वो कृष्ण के लिए ही किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया, क्यों? क्योंकि ये माता यशोदा का जो दूध है तो कभी खत्म होने वाला है, वो तो कभी भी पिला सकती है माता यशोदा कृष्ण से, हाँ अभी बिठाया थोड़ी देर बाद फिर पिला सकती दूध की रक्षा करने के बाद में। लेकिन जो दूध उफान करके अगर चूल्हे में गिर गया, अगर दूध नष्ट हो गया, आपने देखा होगा माता जी सबने कि अगर दूध एक बार उफन के बाहर गिर जाए ना फिर उसमें अच्छे से मलाई नहीं आएगा, देखा ना, उसमें अच्छे से मलाई नहीं आएगा, अच्छे से दूध में मलाई गाढ़ी गाढ़ी मलाई नहीं आएगा, तो उसमें फिर जामनदार दही जमाएंगे दही भी गाढ़ा गाढ़ा, फिर उसको बोलेंगे तो मक्खन भी अच्छे से नहीं निकलेगा, फिर कृष्ण थोड़ी देर बोलेंगे माँ मेरे को माखन दो तो खास माखन दे। इसीलिए वो दूध की रक्षा किस लिए करी? कृष्ण के लिए ही करी, इस दूध से कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर मक्खन बना करके, तो जब कृष्ण आएंगे कृष्ण को बड़ा ही सुंदर ये मक्खन हम देंगे। और दूसरा बताया कि माता यशोदा कौन है? यशोदा जो सबको यश देने वाली, जो सबको भगवान की भक्ति में लगाने वाली ये माता यशोदा है। वो जो दूध है बताया ब्रज में हर वस्तु चिन्मय है, हर वस्तु चिन्मय है, वो दूध उफन उफन के गिर रहा है, दूध सोचता है कि हे माँ यशोदा आपका दूध तो कभी खत्म होने वाला है, और मैं लगता है ठाकुर जी की सेवा में लगूंगा ही नहीं, तो इसे जीवन को धारण करने का क्या फायदा, क्यों ना इस आग में कूद कर ही हमारे जीवन को नष्ट कर दूं। इसलिए दूध की ये भावना को समझ करके माता यशोदा दूध की रक्षा चूल्हे पर करती। इसमें बताया कृष्णानुशीलनम,
मतलब जो कृष्ण के लिए अच्छा है उस काम को करना, जो कृष्ण के लिए अच्छा है उस काम को करना। यहाँ पर इस शब्द का है कृष्णानुशीलना। इसमें बताना कृष्णानुशीलना मतलब भक्ति किसको कहते हैं? जिसको द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो तब उसको कहते भक्ति। लेकिन इसमें क्या दिखती है? इसमें दिखता है कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, मैया उनको बैठा कर चली गई, लेकिन इसको ही भक्ति कहेंगे। क्यों? माता जी के हृदय में जो भावना है, क्या भावना है? अगर ये दूध उफर कर गिर जाए तो बच्चे का अमंगल होगा, उसमें मक्खन नहीं बनेगी, फिर बच्चे को क्या फिर खिलाऊं? इसकी ऊपर कृष्ण तो रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अगर कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमान, कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो अगर उसको भक्ति बोले तो कृष्ण तो यहाँ रो रहे हैं, पर भक्ति कैसे होगा? इसलिए कहते हैं भक्ति की भावना कृष्ण को ऊपर निर्भर नहीं करता, ये भक्तों के हृदय के ऊपर निर्भर करना है। जैसे चारों गोष्ठी को खुश हो रहे भैया तो फिर भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णानुशीलन कृष्ण खुश होनी चाहिए। बोले नहीं ये भक्ति नहीं, बोले क्यों? चारणों मुष्टि को सोच रहे हैं मौका मिले ना इसको पछाड़ दे, मौका मिले तो इसको मैं पछाड़ दू, इसलिए उसको प्रसन्न होने पर भी उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसलिए कृष्णानुशीलन भक्ति उतना, उसमें जो एक एक शब्द है ना अद्भुत शब्द है, अद्भुत अद्भुत एक एक शब्द जो प्रयोग किया। इसलिए बैठ जाओ, इसलिए कल आप लोग फिर रोहिणी नंदन प्रभु कल इस श्लोक को बोलेंगे, आज समय हो गया ज्यादा, ये कल इसको पढ़ करके आएंगे। उसमें जो एक एक शब्द दिया ना, उसमें अन्याभ्यास क्यों नहीं बताया, ये अन्याभ्यासिता क्यों बताया, इसका क्या रहस्य है? फिर ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए क्यों नहीं बताया है? अनाकृत शब्द क्यों बताया? फिर कृष्ण अनुशीलन क्यों बताया? और किसका भी अनुशीलन बता सकते हैं। इसलिए इसमें जो एक एक जो शब्द है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में जो अद्भुत उन्होंने जो व्याख्या दिया, कल आप लोग सुनेंगे, कल रोहित नंदन उसको अच्छे तरह से आपको सुनाएंगे। यदि रुको गोस्वामी भक्ति का ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है? अभी हम विषय में आते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, हम जो हमारे जो मूल जो टॉपिक है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु रुको गोस्वामी को उन्होंने क्या शिक्षा दिया। कल मैंने बताया था दो लाइन, कौन कौन याद करके आए हो? बोलो कौन कौन याद, तुम याद नहीं बताओ क्या दो लाइन है? देख करके नहीं, बिना देखे देख करके नहीं, देख करके सब बोल सकते बोलो। ब्रह्मांड भाग्यवान, ब्रह्मांड पूर्ण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रचारे पाए भक्ति लता बीज। इतने कोशिश की ये दो लाइन भी याद रहे, लेकिन ज्यादा कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन ये दो लाइन का जो तात्पर्य है ना, चलो प्रभुपाद जी जब कई कथा सुनाते थे केवल ये दो लाइन को ऊपर कथा सुनाते थे। इसलिए कल कोशिश करना और जितने सब टॉप कम उम्र बड़े बड़े माताओं के तो याद होना कठिन है, लेकिन जो कम उम्र के जो है सब कम उम्र के जितने हमारे जो लड़का लड़कियां याद करने के लिए, ठीक है? ये दो लाइन को याद, बड़ी बड़ी लेडीज भी ना अभी इनको शादी ब्याह के गीत गाने के लिए बोलते हो, दस दस घंटे गा देंगे। क्या याद है जो शादी ब्याह के गीत होते हैं ना, या जन्मदिन पे गीत गाते हैं, याद कर करके गा देंगे ये पूरी रात में, और ये दो लाइन याद कर सकती है आराम से। कल हम सुनेंगे कौन इसको याद करके दो लाइन याद है। अभी इसकी कथा सुन लो, ये श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को ये बात देखो, इसलिए हम सब बच्चों को खड़े करते हैं ना, इसको सुन करके दूसरों का करने में उत्साह। अरे ये जो बोल सकते हम क्यों नहीं बोल सकते, हम भी कोशिश करेंगे बोलने के लिए। देखो अगर बोलने के लिए आप थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, देखना दिन रात आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा। एक बच्चा जो पेपर देने जाता है ना, सारा दिन पढ़ता रहता है और रात भर तो सोता नहीं, अगर दूसरे दिन एग्जाम आए तो पूरा पुस्तक को लेकर के जाता है ना। इसलिए जब ये दुनिया की सारी बात को आप याद कर सकते हैं, फिर ठाकुर जी की बात को क्यों याद नहीं करते, ठीक है? कल श्रवण कर रहे थे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की। इसका मतलब है ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते भगवान से हम अनादि काल से भगवान से हम विमुख हुए। इसलिए हमारे मथुरा में, मथुरा मठ में कौन कौन गए हो? मथुरा मठ में कौन कौन मथुरा मठ में गए हो? हाँ देखना, वहां पर गुरु जी एक सुंदर उन्होंने चित्रांकन किया, बहुत सुंदर। जब गुरु जी के ऊपर में जाओगे ना, घर के ऊपर में देखना, दीवाल में एक सुंदर छवि बनाया। वो छवि में एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत। जो भगवान का जगत है वो दिखाया पूरा प्रकाश प्रकाश है, और उसका सीधा लाइन ठाकुर जी को चरण गया। और जिस तरफ में माया की जगत केवल वो अंधकार अंधकार दिखाया, उधर भूत पिशाच डाकी साकी प्रेत और चित्ते भालू बाघ सबके सब भयंकर सब जानवर खड़े हुए, और अंधकार अंधकार। और दिखाया बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जिधर माया की जगत उधर एक माया खड़ी हुई है, बड़ी सुंदर प्यारी एक लड़की खड़ी हुई। और जिधर दिखाया भगवान की जगत उधर एक साधु खड़ा हुआ, और बीच में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसको इधर साधु बुला रहे, बोले देख अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे ना, देख एकदम प्रकाश प्रकाश और सीधा तुम ठाकुर के पास जाओगे। और जिधर माया खड़ी हुई वो दिखा रही है भयंकर दृश्य है, भूत पिशाच अरे भयंकर जानवर उधर खड़े हुए, और उधर एक माया खड़ी होकर बुला रही है तू इधर आ जा। अभी वो जो बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ ना, वो कभी इधर देखता है और कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, वो कभी इधर देखता है। कहते अभी मैं किधर जाऊं, वो सोच रहा है मैं किधर जाऊं। वो दिख रहा है जिधर अंधकार है, और अंधकार है भूत पिशाच काफी साकी। अभी वो सोच रहा है मैं जाऊं तो किधर जाऊं, लेकिन जो माया है ना ऊपर में देखने में बड़ा सुंदर लगता है, जैसे सोने की एक घड़ा है, लेकिन अंदर में डाल हाथ डालना अपने जहरी जहर है उसमें, केवल उसमें जहरी जहर उसका अंदर में। लेकिन वो देख रहा है उधर भूत पिशाच खड़े हुए हैं सब के सब, लेकिन जो जीव है ना, बहुत जो कम जीव होते हैं वो भगवान की जो साधु जिधर बुलाता है ना वो उधर तरफ में जाते हैं, लेकिन जो अक्सर करके जो जीव है वो माया में ही छलांग लगाते हैं, संसार में ही छलांग लगाता है, हैं? देखते हुए भी संसार में छलांग लगाता है। जब वो माया में छलांग लगाती है उसको माया क्या करती, उसको दो पोशाक पहना देती है। बोले क्या क्या पोशाक पहनाती है? बोले एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर, ये दो पोशाक। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? बोले ये मन बुद्धि अहंकार और चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये एक शरीर पहना दिया। उसको ऊपर और एक शरीर पोशाक पहना दिया, ये जो शरीर दिख रहा है किति जल पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, हम मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश, ये दो शरीर आत्मा के ऊपर में दो शरीर कवर करके उसको किया गया, फेंका उसको जीव को, बस जीव अपने आप को भूल गया। भूल करके जो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम जो स्वरूप जो जीव का कृष्ण का नित्य दास है, भगवान की नित्य सेवक है, इसको भूल करके अभी माया की सेवक बने, माया की सेवक बनेगा। अगर किसको पूछो है ना तुम्हारे नाम क्या, वो कोई नहीं बोलेगा, भगवान की ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो कोई नहीं बोलेगा, हम भगवान की संतान नहीं बोलेगा, बोलेगा मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरी बीवी ये है, मेरे मकान ये है, दुकान, सब झूठा, जितने सब झूठा परिचय देगा, सब झूठ मूठ का परिचय देगा, जो एक दिन सब खत्म होने वाले। कहते हम ऐसे ही अनादिकाल से अनंत कर्ण जीवन में 84 लक्ष योनि में हम अनादि काल से ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, जो विशेष भाग्यवान जीव होते हैं। कहते भैया वो भाग्यवान जीव कौन है, वो भाग्यवान जीव कौन है, जिसने पूर्व जन्म में जिसने भक्ति उन्मुख सुकृति जिसने किया है, जिसने भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या, कल मैंने बताया था ना,
जब कभी जो कभी नष्ट नहीं होता है, पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये सुकृति कभी नष्ट नहीं होता। ये सुकृति कहते हैं इसको, जब हम भगवान और भक्त का उद्देश्य में जब कोई काम करते हैं। इसलिए मैंने कल बहुत सारी बात मैंने बताया था, कहीं प्रसाद बैठ रहा है थोड़ा प्रसाद ले लिया, कहीं मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर परिक्रमा कर ली, तुलसी परिक्रमा कर लिया, ठाकुर जी का आरती दर्शन कर लिया है, वृंदावन धाम में गए ठाकुर का दर्शन करके आए, कभी गिरिराज की परिक्रमा लगा लिया, कभी वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा लिया, कभी किसी साधु संतों की सेवा किया। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, जैसे श्री नारद जी जब चातुर्मास में कुछ संत लोग, इसी चातुर्मास में संत लोग जब नारद जी के गांव में आए, अभी नारद जी की माता जी ने क्या की, संतों की सेवा करना शुरू कर दी। क्यों? बोले संतों की सेवा करूंगी तो मेरे को भी भोजन मिलेगा, मेरे बच्चे को भी खाना मिल जाएगी। अभी माँ जो करेगा बच्चा तो वो करेगा ना, बस बच्चा भी संत सेवा में लग गया है, संत सेवा में लग गए। संत बोले नारद जी जाओ ठाकुर जी के लिए फूल चयन करके ले आओ। बच्चा छोटा भागते भागते गया ठाकुर जी के लिए फूल लेकर के आ गए, बोले ठाकुर जी के लिए एक सुंदर माला बना दो, ठाकुर के लिए माला बना दिया, बोले थोड़ा सा चंदन घींच दो, चंदन घींच दिए बस। और संतों की सेवा, कभी का कपड़ा धो दिए, कभी कपड़े को धो करके उसको साफ करके कपड़े को सुखा दिए बस। संत सेवा ठाकुर सेवा किया तो धीरे 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 क्या हुआ, ये सुकृति ये भक्ति उन्मुख की सुकृति बन गई, इसको द्वारा ही सुकृति बनती है, भक्त सेवा साधु सेवा से सुकृति बनी। इसलिए बोले कौन, मतलब कौन ये भाग्यवान जीव जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में बहुत सुकृति इकट्ठी हुई है। बोले इसका फल क्या है, पाप का फल तो नर्क भोग करेगा, पुण्य का फल स्वर्ग मोह जन तप सत्य लोग, इसका फल तो दोनों खत्म हो गया, लेकिन सुकृति का फल क्या है, इसका फल है भगवत इच्छा से पूर्ण भाग्यवान जी। बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी, अरे गुरु जी और कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता रूपी बीज को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी ऐसे सुकृति अर्जन होगा ना, फिर भगवत इच्छा से ही उसको इसका फल क्या, साधु संग, इसका फल है साधु संग प्राप्त होगा। जीवन में जब कोई शुद्ध साधु संग तुम्हें मिल गया, बात समझो हमारा सब कुछ करना सार्थक हो गया, हमारी जीवन धन्य हो गया। इसलिए विभीषण को साथ में जब श्री हनुमान के साक्षात्कार हुई, जब श्री विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भगत है, तब विभीषण क्या कहता है, क्या कहता है बाबा, आज मैं भा भरोसा हत बनता, बिनु हरि कृपा बिना मिलय नहीं सकता, जो रघुबरी मई अनुग्रह गिनी तो मई दरस सहित। लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, नहीं तो कहां चारों तरफ में लंका में राक्षस सबके सब, नरक पक्षी राक्षस चारों तरफ में सबके सब करे, लेकिन इसको बीच में भी हमें संत दर्शन और भगवान भक्तों के हनुमान जैसे प्यारे भक्त दर्शन में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज मेरे को संत दर्शन हो गया, मतलब प्रभु प्राप्ति की कोई देर नहीं, जल्दी हमें ठाकुर जी जल्दी से जल्दी मिलेगा। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। हाँ देखो यहाँ पर बड़ी व्याख्या प्रभुपाद एक इन शब्दों को बड़ी व्याख्या करते हैं। बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, बोले गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है। कहते गुरु जी क्या करते हैं, हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, जो कृष्ण नाम प्रदान किया, कृष्ण हमें गोपाल मंत्र काम गायत्री प्रदान किया, कभी ये क्या है, कभी हमें जो कृपा की है गुरुदेव ने, कभी ये भगवत ये गुरु जी के आशीर्वाद है, ये गुरु जी की आशीर्वाद हमारे ऊपर हुई, जो कि हमें शुद्ध कहीं साधु दर्शन, कहीं हमें शुद्ध गुरु की कृपा हुई। लेकिन यहाँ पर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, पर यहाँ पर नाम आता है कृष्णा, कहते गुरुदेव से तो हमें मंत्र मिला, कृष्ण मंत्र काम गायत्री हरिनाम मिला, पर कृष्ण यहाँ पर क्या किया,
ये भगवान फिर क्या किए, बोले भगवान ये क्या कहते गुरु चार तरह का है। कितने तरह के हैं? चार तरह के गुरु है। एक गुरु है शिक्षा गुरु है, जो हमें सबसे पहले हमें जो रास्ता दिखा भक्म प्रदर्शक, जिसने सबसे पहले जिनको साथ में मिले, जिसने हमें कृपा करके भगवान की कथा सुनाए, हाँ भक्ति के मार्ग जिसने दिखाया, ये हमारी भक्म प्रदर्शक, ये हमारी रास्ता दिखाने वाले गुरु है। दूसरा गुरु जो दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु मतलब जिनसे हमने ये हरिनाम कृष्ण मंत्र लिया, हमारे दीक्षा गुरु। और जो तीसरा गुरु है यदि ये शिक्षा गुरु है, बोले शिक्षा गुरु मतलब जिनसे गुरु जिसका मैंने दीक्षा लिया। लेकिन अगर हमें अगर कोई शिक्षा देने वाले नहीं हो फिर क्या होगा? जैसे गमला में एक पौधा लगाया, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक रहेगा? वो तो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें जो भक्ति की बात बता करके धीरे धीरे आगे जो बढ़ाए, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? देखो शिक्षा गुरु सब नहीं हो सकते, शिक्षा गुरु वही हो सकते हैं हमारी गुरु जी को जो भाव है, गुरु जी जिस लाइन में आए हैं, गुरु जी जिस लाइन जिस भाव उसी भाव का अनुरूप होनी चाहिए, तभी वो हमारी शिक्षा गुरु बन सकते हैं, हैं? तभी वो शिक्षा गुरु बनेंगे उसी लाइन उसी भाव का अनुरूप, वो हमारी शिक्षा गुरु। और एक है अंतर्यामी गुरु और एक है अंतर्यामी गुरु, ये चैत्य गुरु। ये कौन है? जो हमारी हृदय में जो बैठे हैं, हृदय में बैठी करके अंतर्यामी चित्त में बैठी करके हमें जो मार्ग दिखाते रहते हैं, बोले ये कौन है? बोले कृष्ण बंधे जगत गुरु। ये कृष्ण को बताया कृष्ण बंधे जगत गुरु, जो कृष्ण है ये जगत गुरु, जो हमारी अंतर्यामी चैत्य गुरु। इसलिए कहते हैं चैत्य गुरु रूप में अभी प्रश्न है, अभी प्रश्न होता है हम यहाँ क्यों आए? अभी तो बहुत सारे संप्रदाय है जगत में, बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे साधु है, अभी प्रश्न फिर हम यहाँ पर क्यों आए? फिर हम और कहीं क्यों नहीं चले गए? हम ये महाप्रभु धारा में, ये गौड़ीय धारा में क्यों आए? हमको लाया कौन? बोले भगवान लाए, ठाकुर जी ने ही है, ठाकुर जी ने हमें प्रेरणा करके अंदर से भैया वहां पर जाओ वहां पर जाओ, वो प्रेरणा देकर कौन लाए? ठाकुर जी हम यहाँ पर लाए हैं। अगर भगवान यहाँ तक नहीं लाते ना, हम कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और विशेष करके जो कृष्ण कृपा जो बताया है, कृष्ण कृपा है इसमें, जो कृष्ण कृपा बताया ना, तो देखो विशेष करके कलयुग है ना, कलयुग में हमें शुद्ध धारा मिलना बड़ा कठिन है, कलयुग में शुद्ध धारा मिलना बड़ा कठिन है। कलयुग में आप देखना जगत में जितने बड़े बड़े गुरु अभी जेल में बैठे हैं, इस सब के सब जेल में बैठे हैं। भैया क्या कारण है जेल में क्यों बैठे? कारण क्या? इसलिए जब तक कोई शुद्ध लाइन में नहीं आएगा ना, जीव को सही सही मार्ग नहीं बताया, जीव को भक्ति मार्ग से भड़काएगा, उसको सही सही मार्ग नहीं दिखाएगा ना, उसको फिर ठाकुर जी दंड प्रदान करते हैं, उसको ठाकुर जी दंड प्रदान करते हैं, हैं? भक्ति का नाम पर उल्टा पुल्टा करने से फिर भगवान भी सहन नहीं करते। इसलिए शिक्षा दिया है, देखो हनुमान जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हो गए, हनुमान भ्रमित हो गए ना जिस समय लक्ष्मण का शक्ति सैद हुई, लक्ष्मण हनुमान जा रहे थे जड़ी बूटी लेने के लिए गंधमार्दन पर्वत को पर, इतने में रावण ने काल नेम को भेज दिया, बोले काल में भी एक रात रोक ले किसी तरह से हनुमान को, बस लक्ष्मण का राम नाम सत्य हो जाएगा, इसी तरह से एक रात रोक लो। फिर हनुमान जी ने क्या किया? बस बीच में प्रकट हो गए साधु रूप लेकर के, बोले रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीता, जय रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीता। अभी हनुमान हनुमान को शंकर वो सब जानते हैं, लेकिन लोग शिक्षा के लिए हनुमान जी ने सोचा भैया गुरु भाई बीच में कहां से आ गए, हनुमान जी उतर करके आ गए हैं और वो सारे बात बताना शुरू करके, बोले हाँ लक्ष्मण का शक्ति से हुआ ना, एक वैद्य तेरे को गंधमार्दन पर्वत में भेजा ना, बोले भैया तो सब जानता है तो पक्का साधु है, ये सारे बात वो सही सही बता रही तो पक्का साधु है। लेकिन वो साधु नहीं, वो क्या था? ये साधु रूप में भंड था, ये काल नेमी था, हैं? इसलिए काल नेमी था, राक्षस था,
इसलिए हनुमान जी भी वहां पर उतर करके जब वो गए बोले स्नान करके मंत्र दूंगा। जब उसने मगरमच्छी को मारे, मगरमच्छ जब एक गद्धर भी रूप धारण किया, उन्होंने सारे बात बता दिया। बोले हनुमान जी और जो बीच में है ना उसमें जो साधु दिख रहा है वो साधु ने ये काल में विराक्षस बैठा हुआ, ये तेरे को बीच में बाधा देने के लिए, खबरदार उसको पल्ले में पड़ना नहीं, साधु ने काल ने भी। बस हनुमान ने क्या किया उसको उसने मारे और मार करके मर गए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, मतलब है अगर सही सही कृष्ण की कृपा नहीं होगी, अगर निष्कपट रूप में हम ठाकुर जी को नहीं बुलाएंगे, हृदय से नहीं बुलाएंगे ना, फिर तो हमारे सामने साधु रूप में काल नहीं आएगा, वो साधु नहीं हो कौन आएगा, फिर काल में भी आकर हम क्या करेगा, रास्ता से भक्ति जगत से ये वंचित कर देगा भक्ति जगत से। इसलिए यहाँ पर बीच में ये कृष्ण नाम बताए भगवान कृष्ण ही अंतर्यामी रूप में हमें निष्कपट हृदय से अगर हम भगवान पुकारेंगे ठाकुर हमें सही रास्ता पर ले जाएंगे। क्यों, जब ठाकुर जी जैसे ध्रुव जी ने तपस्या की, ध्रुव तपस्या की नारायण ने स्वयं नारद जी को देखा, जाओ नारद जी ध्रुव जी को मंत्र देकर के आओ, उसे सद्मार्ग दिखा करके आओ, उसको मेरे नाम दे करके आओ। और ध्रुव जी ने किया, नारद जी आए और ध्रुव जी को ओम नमो भगवते मंत्र प्रदान की, सही सही मंत्र प्रदान की, तो उन्होंने भजन किया तो किया हुआ 6 महीना में श्री भगवत दर्शन हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते गुरु कृष्ण प्रसाद, गुरु और कृष्ण कृपा से, गुरु जी की अगर कृपा हो तो वो कृष्ण कृपा ही, और जो कृष्ण कृपा होता है ना वो सही गुरु जी का कृपा है, क्योंकि अभी न कृष्ण इच्छा से गुरु, गुरु इच्छा से कृष्ण कहते हैं। इसलिए कृष्ण कृपा मिल गया तो गुरु को कृपा मिल गई, और गुरु कृपा मिला तो कृष्ण कृपा मिल गई। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, बोले भैया ये कौन सा बीज भी अलग अलग बीज है, बीज भी अलग अलग है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। कहते बीज अलग अलग बीज, बीज एक नहीं, एक कर्म का बीज है और एक ज्ञान का बीज है, एक जोग का बीज है, एक रिद्धि सिद्धि का बीज। जैसे बीज बोगे ना पेड़ तो वैसे होगा ना, जैसे बीज बोगे पेड़ तुमको ऐसे ही पेड़ होगा है, जैसे बीज बोगे पेड़ ऐसे होगा। लेकिन जो भक्ति लता जो बीज है भैया ये बीज अलग बीज, ये साधारण बीज नहीं, ये अलग बीज है। पर ये भक्ति लता बीज क्या है, इसलिए भक्ति को उन्होंने एक लता को साथ उदाहरण दिया, भक्ति एक लता है लेकिन बीज होगा तभी तो लता होगी ना, लेकिन वो बीज कौन सा बीज होनी चाहिए, भक्ति भक्ति बीज होनी चाहिए, तभी तो वो भक्ति बीज से फिर भक्ति की लता निकलेगा, नहीं तो भक्ति की लता नहीं निकलेगी, फिर तो लता और कोई लता, तो कर्म की लता नहीं तो ज्ञान की लता निकलेगा, फिर तो लता भक्ति नहीं निकलेगी। इसका मतलब है हम जैसे गुरु जी, गुरु जी की जैसे भावना, गुरु जी की जैसे साधन भजन हो है, अगर गुरु जी अन्याभिलाषिता सुनन वो बीज क्या श्रद्धा, वो श्रद्धा बीज है। और वो कैसे अभी सुन रहे थे ना, अन्याभिलाषिता सुनम ज्ञान कर्मादि अनापितम अनुकुलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, ये उत्तमा भक्ति है जिसमें ज्ञान कर्म को तरह ढका नहीं हो, कोई अभिलाषा नहीं हो, केवल प्रभु की भक्ति प्रेम की अभिलाषा हो। अगर गुरु जी के हृदय में अगर ऐसे भावना होगा, फिर गुरु जी जब वो मंत्र देंगे, फिर मंत्र गुरु जैसे देंगे उसमें लता भी तो ऐसे निकलेगा ना, लता तो ऐसे निकलेगा, बीज जैसे मिलेगा लता भी ऐसे निकलेगा। उसी तरह जब हम किसी शुद्ध वैष्णव लाइन से आए, शुद्ध भक्ति परंपरा लाइन में आए, जिस लाइन में केवल प्रभु की भक्ति की बात हो, भगवान के प्रेम की बात हो, शुद्ध रूप में कृष्ण प्रीति कृष्ण सुखार्थ के लिए इच्छा हो, भावना हो, फिर तो वो जो बीज लता होगा, फिर वो लता कृष्ण भक्ति लता होगा। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। फिर गुरुदेव बहुत अच्छी अच्छी बात इसी विषय पर गुरु जी बड़े सुंदर निकाले, गुरु जी ने बड़ी सुंदर क्लास दिया है इसी विषय को कर बड़ी। इसलिए गुरुदेव बताए 3 तरह का भक्त है, एक है निर्धुत कसाई,
एक है पार्षद अध्याय प्राप्त और एक है मूर्छित कैसा है। बोले भक्त तीन तरह का होता है, कहते एक भक्त होता है पार्षद अध्याय प्राप्त जो भगवान की नित्य परिकर है, जैसे नारद आदि की नित्य परिकर है। अगर किसको ऊपर में वो हाथ ऐसे रख लेते ना, किसको सर पर, जैसे नारद व्यास को कृपा कर दिया तो बात कल्याण। वाल्मीकि को बोले राम बोलो, बोलो राम, लेकिन उसके मुंह में राम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बस मरा मरा करते करते एक बार ही उल्टा नाम जपते जगह जाना बाल भय ब्रह्म समाना है। इसलिए ध्रुव जी को उन्होंने कृपा की, एक बार केवल दर्शन दिए तो इससे कल्याण कर दिए। जो पार्षद देव जो प्राप्त है कैसे उनको कृपा हो जाने डायरेक्ट। बोले जिनका निर्धुत कसाई, मतलब है जिसका कसाई मतलब जितने अनर्थ है जो संपूर्ण रूप में धूल गया है। और एक होता है मूर्छित कसाई, मूर्छित कसाई मतलब है अभी तो कुछ दोष है, अभी कुछ अनर्थ, लेकिन वो सोया हुआ अवस्था में, लेकिन कभी वो जग सकता है, कभी ये जग सकता है। तीन तरह का भक्त गुरु जी ने बताए। अभी गुरुदेव कहते हैं अगर जीवन में तुम्हें अगर ऐसे नित्य सिद्ध परिकर भक्त अगर मिले नहीं गुरु रूप में, गुरुदेव कहते हैं अगर जो चार जो वैष्णव संप्रदाय है श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, कहते ये चार वैष्णव संप्रदाय शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, अगर हम किसी तरह से ये शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में अगर जुड़ गए, शुद्ध लाइन में जुड़ गए ना, अगर सही लाइन में अगर हम खड़े हो जाए, बोले भैया कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाए। अगर तुम अगर गलत लाइन में खड़े हुए हो, जिंदगी भर खड़े हो तुम्हारी लाइन ही आए, वो तुम्हारी नंबर ही नहीं आए, क्यों, तुमने जो खड़े हो गए गलत लाइन में खड़े हो गए। इसलिए नियम है मंत्र कहाँ से लेनी चाहिए, शुद्ध वैष्णव परंपरा से लेनी चाहिए, तब वो जाकर के धीरे 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 आगे बढ़ेगा। इसलिए गुरुदेव फिर कहते हैं भैया उसमें जैसे पानी दोगे ना, फिर तो जैसे कोई पौधा बोए अगर उसमें नमकीनी पानी डाल दिया, समुद्र का पानी डाल दिया, बताओ पेड़ क्या होगा, जलते खत्म हो जाएंगे हैं। लेकिन अगर उसमें शुद्ध पानी डाले फिर तो पेड़ बढ़िया होगा। गुरुदेव कहते भैया ये नमकीनी पानी क्या है, बोले नमकीनी पानी वो है अगर हमने शुद्ध भक्ति लाने में नहीं, किसी ज्ञानी का संगत मिल गया, किसी जोगी का संग मिल गया, किसी कर्मी वा कोई जो अपर संप्रदाय का संग मिल गया, फिर उसमें क्या होगा, बोले तुम्हारी जो भक्ति फिर बढ़ नहीं पाएगी, तुम्हारी भक्ति सूख जाएगी। इसलिए सावधान रहनी चाहिए हमें, कथा सुनते समय संग करते समय देख करके करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बहुत तुम्हारी जो भक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए देख सुन करके संग करनी चाहिए, जैसे संग वैसे रंग बनेगा, सावधान रहनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जैसे एकदम निर्मल पानी उसमें थोड़ी सी क्या करो मिश्री डाल दो और थोड़ा मीठा हो जाएगा, उसमें थोड़ा नींबू डाल दो तो और बढ़िया, थोड़ा कर्पूर डाल दो बस बढ़िया हो जाएगा। कहते अगर ऐसे इसका मतलब है अगर हमें ऐसे शुद्ध जो राधा दुर्गा भक्त महाप्रभु जो शुद्ध भक्त का संग अगर मिले, जो रस्सी की परंपरा से भक्ति करते हैं, अगर ऐसे संग मिले ना, फिर हमारा जो भक्ति लता है ना वो सीधा गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण का चरण में फिर वो पहुंच जाएगी, फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए गुरुदेव इसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, फिर हम लोग फिर कल सुनेंगे वो धीरे धीरे लता कैसे बढ़ती है, फिर वो लता कहाँ जाती है, फिर धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगी, उसमें फिर बाधा क्या है, फिर वो बाधा को हमें कैसे दूर करनी चाहिए, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें भक्ति जगत में कैसे जानी चाहिए, ये कथा तो हम कल सुनेंगे। ठीक है, ये कथा हम कल सुनेंगे। यहाँ पर जीत प्रभु है, यहाँ पर जीत राजा, ये राम के हरे कृष्ण। देखो इधर देखो, अभी ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना, ये अगले महीना आज कितना तारीख हो गया, 31 हो गया ना, अगले महीना
जो 11 तारीख में वृंदावन में ठाकुर जी झूला में बैठेंगे। खैर 12 तारीख को जिनकी कथा सुन रहे हैं ना, ये 12 तारीख में इनकी तिरुभाव जानते कि नहीं, इनके उन्होंने शरीर छोड़े थे हैं, इसलिए 12, 13 और 14 ये 3 दिन तक हमारे वृंदावन से हमारे बहुत सारे सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, दूसरे दूसरे संप्रदाय से संत लोग आएंगे, इनके ऊपर में बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएंगे, इसलिए अच्छी अच्छी बात बताएंगे। इसलिए वहां पर हमारे 5 दिन उत्सव होता है। एकादशी का दिन ठाकुर जी झूला में बैठेंगे हैं, और द्वादशी का दिन हम सवेरे जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन किया और जहाँ पर उन्होंने समाधि उस स्थल में हम सवेरे सवेरे जाते हैं, वहीं पर बैठ कर उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। फिर दोपहर में भी अलग अलग वैष्णव लोग कथा सुनाते हैं, फिर शाम को 4 बजे से फिर इनकी कथा होती है। बड़ी अच्छी अच्छी कथा वहाँ पर 3-4 दिन तक बड़ी अच्छी अच्छी कथा होगी। इसलिए आप सबको निमंत्रण है, सबके सब वृंदावन में आना, ठीक है? ताली क्या बजा रहे हो? आओगे कि नहीं? और जब वो ताली इसलिए बजा जरूर आएगी और मेरे समझ में तो जोर से बजाओ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिरते भक्तिवेदान्तस्वामिनामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर त्रिवशाधी श्री गौरभक्त वृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मंचासीन मध्य शिक्षा गुरुदेव शिष्यों भक्तिदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त वैष्णव गुरुपाने गुरु परंपरा के श्री चंद्रम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथा प्रकाश स्रोत मंडली सज्जन वृंद और जीत गो के श्री चंद्रम अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों के भी आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। देखिये महाराज जी ने कुछ कहने के लिए आदेश दिया, समय ज्यादा हो रहा है और जैसे मैं ये फोन चल रहा है और इसके माध्यम से मैं घर पे बैठ गई, पिछले 5 दिन से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और बहुत सुंदर यहाँ का माहौल एक वातावरण बना हुआ है। उसमें महाराज जी के अनुगत्य में मैं अभी नगर संकीर्तन में आया था रविवार को मॉर्निंग में, सुबह में आप में से शायद बहुत लोग आए थे और एक अद्भुत नगर संकीर्तन यहाँ हुआ था। पार्क में हम गए थे, प्रदर्शनी पार्क में, बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ पे जीतों के अनुगत्य में रहेंगे जब तक, और ऐसे ही नगर संकीर्तनों का आयोजन करते रहेंगे। अभी जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो जीतरू की प्लानिंग भी है कि हर संडे हरिनाम संकीर्तन होगा, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरिनाम संकीर्तन में आए और भगवान की इस वाणी के वैभव को प्रचार करें, गुरुदेव की इस वाणी के वैभव को प्रचार करें। महाराज जी रूप गोस्वामी जी के विषय में बता रहे हैं, श्री गुरुदेव के मुख से या ग्रंथों में महाराज जी के अनुगत्य में जो हमने सुना, थोड़ा जानने का प्रयास किया कि रूप गोस्वामी जी कौन है। महाराज जी ने आपको पहले ही दिन बताया होगा कि रूप गोस्वामी जी कौन है। कहते हैं कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। कि रूप गोस्वामी जी कौन है, कि रूप गोस्वामी जी शिल महाप्रभु का ही एक स्वरूप है और महाप्रभु के हृदय की क्या भावना है वो महाप्रभु के बिना कहीं जान जाते हैं और बिल्कुल ठीक महाप्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही वो प्री प्लान करके सारा कुछ बना देते हैं। तो ये महाप्रभु का वैभव है कि हम लोग जो सुन पा रहे हैं ये उन्हीं की कृपा से संभव है कि ऐसे सतगुरुदेव हमारे जीवन में आ गए हैं। और जैसे महाराज जी ने अभी बताया ना, तो हम लोगों को सच में ही अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की धारा में आके भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हम किसी और अन्य संप्रदाय में नहीं पहुंचे और या हम किसी अप संप्रदाय से नहीं जुड़े, तो ये भगवान की हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। जैसे महाराज जी ने बताया चैत्य गुरु,
जो हमारे अंतर्यामी परमात्मा भगवान है उन्होंने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी कि हमको भी इस धारा में लेके आए, यहाँ बिठा दिया लाके और ऐसे सदगुरुदेव को हमारे जीवन में भेज दिया। तो आप सब लोग जिस आनंद का अभी भोग कर रहे हैं ऐसे ही आनंद को अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों के जीवन में लाने का प्रयास करें। और जब तक महाराज जी यहाँ है, जैसे महाराज जी शुरू में ही कह रहे थे कि आप भी आए अपने साथ और दो दो चार चार दस दस लोगों को लाए कि ये जीवन का जो आनंद है ना ये कहीं नहीं है। और आप लोगों का सौभाग्य इतना ज्यादा है कि आप लोगों के बिल्कुल घर के पास में श्री राधा मनोज बिहारी जी आके बैठ गए। श्री महाराज जी बता रहे कि प्रभुपाद कहते थे कि मैंने श्री राधा कृष्ण की निकुंज को अवतरित कर दिया है। तो ये निकुंज ही है भगवान श्री राधा मनोज बिहारी जी का। और यहाँ ऐसे सदगुरु हमारे बीच में आके हमको सुंदर कथाएं सुना रहे, तो आप तो जिस सुख का लाभ कर ही रहे और अपने साथ में लोगों को लाए उनको भी बताएं। और हरिनाम संकीर्तन जैसे जी प्रभु वो भी कह रहे हैं कि जन्माष्टमी के उत्सव के लिए हर रविवार को हम हरिनाम संकीर्तन निकालेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सब लोग आए, अपने साथ और लोगों को लाए और आने वाले समय में जन्माष्टमी का उत्सव बनेगा, महारात्रि होंगे, कथा होगी, भागवत हम सब लोग आनंद करेंगे। इतना ही समय लेता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। वंशा कल तक कृपा नाम पावन श्री वैष्णु के नमः। हरे कृष्ण। कल श्री रोहिणी शुद्ध प्रभु जी एक बात बता रहे थे, और क्या बता रहे थे, सर में कपड़ा ढक नहीं जाएगा बता रहे थे। क्या सर था उसको माइक दे दो, कल क्या बता रहे थे उसको माइक दे दो। महाराज जी ने कल बताया था कि गुरु वैष्णवों के सामने, श्रेष्ठ के सामने क्या करना चाहिए, सर ढक के जाना चाहिए और सर ढक के रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए एक मर्यादा है। गुरुद्वारे में कभी गए हैं आप? गए हैं? कौन कौन गुरुद्वारे में गया? पता है ना नियम? नियम पता है, वो सर से हटने नहीं देते। और पुरुषों को भी करने दे। और पता है कल एक बात बोलना भूल गया था, चुन्नी पे ही, दुपट्टे पे ही। देखना, सूट लेने गए तो चुन्नी नहीं मिली। और आज की डेट में हम लोग धोती लेने जाते ना तो मैचिंग दुपट्टा मिलता है। ये हालत हो गई है। तो अच्छा है माता बहने आ रहे हैं, पर ये चीज देखें, ये नियमों में है। जो रूप गोस्वामी जी आदि ने जो सेवा अपराध ऐसी ऐसी चीजें बताई है ना, तो उसमें बताया गया कि ये चीज करके करेंगे तो उससे फायदा है। तो कपड़ा ढकना सर पे बहुत जरूरी है, ये मर्यादा में आता है, संस्कार में आता है। ठीक है, सभी लोग एक बार हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी तो समय हो गया, भक्ति की जो विशेषता है, मैंने क्लेश बताया, सारे प्रकार क्लेशों को दूर करती है। और जैसे मंगल क्या करती है, आज तो सोच रहा था पर आज नहीं, थोड़ी सी अनाउंसमेंट है। कल उन्होंने बताया, देखो भक्ति का तीन स्टेज, एक साधन, एक भाव और एक प्रेम। कल प्रभु जी जो साधन अवस्था में बताया, जब हम सही सही भक्ति की साधन करेंगे जीवन का सारे दुख दूर हो जाएगा और जीवन में परम मंगल की प्राप्ति होगी। परम मंगल, जीवन का सारे मंगल प्रभु की भक्ति करने से। कितना मंगल भवन मंगल। अभी आज बताएंगे जब साधन से और थोड़ी ऊपर उठेंगे भाव, उसमें भी दो लक्षण प्रभु जी आज वो दो लक्षण बताएंगे, वो दो लक्षण किया है। कल मैंने बताया था जितना भी दुख के कारण है वो क्या है, जितने भी दुख है उसका कारण है पाप, और पाप का जो बीज और क्या है अविद्या। तो पाप मैंने बताए थे कल, पाप बहुत प्रकार के बताए, कितने कितने प्रकार के पाप है, कैसे कैसे उसको कष्ट होता है, और पाप का बीज बताया और बताया प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, और जो हमारे हृदय में वासनाएं होती है और कितने प्रकार से कैसे कैसे वो काम करता है। और कल मैं एक बात बताता हूँ, नष्ट जैसे भजन हम करते हैं, कोई कहते हैं ना भजन हम कर रहे हैं और हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, तो दुख दूर कैसे होंगे, बोले कि होते हैं जितनी तीव्र गति से भक्ति होती है
उतनी तीव्र गति से पापों का नाश होता है। यदि भक्ति शुद्ध रूप में हो, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, महारथी रूप गोस्वामी बताएंगे भक्ति की तीन स्टेज है। जो साधन भक्ति है वो थोड़ी शुरुआत में बड़ी कठिन होती है, उसमें मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, साधन करना पड़ता है, इसलिए जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है, अपने इंद्रियों से साधन करना पड़ता है, गुरु के मुख से सुनना पड़ता है। तो इसमें क्या है, पहले क्या कठोर होती है, कठोर जैसे पेड़ निकलता है ना, पेड़ के दो पत्ते निकलते हैं, पहले पत्ते दो, तो कोई भी पौधा निकलता है पहले दो पत्ते निकलेंगे, फिर क्या होगा धीरे 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 करके उसके चार पत्ते निकलेंगे, फिर पूरा पेड़ होता है, फिर उसमें फल आता है। तो रूप गोस्वामी जैसे बता रहे भक्ति के भी कई प्रकार के लक्षण हैं। तो साधन अवस्था में जो शुरुआत में भक्ति होती है उसमें सभी फल दिखाई नहीं देते, आरंभ करते भी नहीं है, पर उससे पहले बताए साधारण भक्ति। एक होती है साधारण भक्ति कि कभी कर लिया हरिनाम, कभी छोड़ दिया, कभी तथा में आ गए, कभी नहीं आए, जो साधारण भक्ति होती है। अभी जो भाव को लक्ष्य करके, मतलब भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो, भगवान के चरणों में हमारी रति प्राप्त हो, जो भाव को उद्देश्य करके करते हैं उसे बोलते हैं साधन भक्ति, जो उद्देश्य भाव को लक्ष्य करके करते हैं। पर अभी तो कोई लक्ष्य नहीं है, अभी क्या लक्ष्य है, अभी किसी प्रकार का लक्ष्य क्या है, सिर्फ लक्ष्य है किसी प्रकार के हमारे थोड़े बहुत दुख दूर हो जाए, घर में शांति आ जाए, पैसा आ जाए, नौकरी लग जाए। तो क्या है ये, क्या है ये साधारण भक्ति बताई। और भक्ति भी क्या है, भक्ति का भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ लिखा है, ये भी कहां से लिखा है, रूप गोस्वामी ग्रंथों से इन्होंने लिख के भक्ति के चार स्वरूप बताए, भक्ति की स्वरूप लक्षण, भक्ति की परिभाषा बता रहे थे ना, अन्ना विलासिता शून्य ज्ञान कर्माजे। तो मैं ये बता रहा था हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रयाग में जो शिक्षा दी वो किस किस विषय पर दी, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व और भक्ति रस। पर हम अभी क्या भक्ति तत्व ही करेंगे 15 दिन तक, भक्ति समझ में आ जाए किसी तरह, फिर कृष्ण तत्व, भगवान की जन्माष्टमी आ रही है ना, फिर 8-10 दिन हम करेंगे कृष्ण तत्व क्या है, भगवान कौन है, उनके कितने प्रकार के रूप है, क्या है, फिर राधाष्टमी आएगी। तो भक्ति रस, भक्ति रस किसे कहते हैं, जैसे महाराज जी बता रहे, थोड़ा हिंट भी दिया, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य और मधुर रस। रस कैसे प्राप्त होता है, रस के उदय कैसे होता है, हम 15 दिनों में भक्ति रस बताएंगे। पर पहले जन्माष्टमी से पहले क्या बताएंगे, भक्ति के विषय में जान लो। तो भक्ति के विषय में प्रभु जी भी बता रहे थे, परिभाषा दी उन्होंने, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृत अनुकूलित कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। इन्होंने अनुशीलम कृष्ण अनुशीलम तो बताया, और ज्ञान कर्माद्य अनावृतम इसकी जो व्याख्या थी अभी प्रभु जी थोड़ा सा उसको कल बताने के लिए कह रहे। तो जो भक्ति अगर ऐसे पूरी परिभाषा से युक्त होगी तब जाके क्या करोगे आप, तब जाके पहले भक्ति समझनी पड़ेगी। कहीं भी आप जाओगे, इंजीनियरिंग की है, ट्रेनिंग नहीं की, आप जितना भी काम करने जाओगे तो जितना अच्छा करोगे और गलत कर दोगे और निकाल देंगे आपको। कोई भी आप तो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े इंजीनियर बन भी गए, ट्रेनिंग देते हैं भाई सॉफ्टवेयर पे ये काम होगा ऐसे करना है, इंजीनियरों को भी एडवाइस देते हैं और मीटिंग करते हैं, सब कुछ समझाते जब जाके आप काम करोगे। इसलिए भक्ति पता ही नहीं है तो कर हो ही नहीं सकती शुद्ध रूप में। तो भक्ति कैसे मिलेगी, ये भी क्या है आनुगत्य, जैसे गुरुदेव महाराज जी बता रहे थे भक्ति जो धर्म है ये आनुगत्य का धर्म है। आनुगत्य मतलब सदगुरु वैष्णव के आनुगत्य में रहकर रोज शिक्षा लेनी पड़ेगी जब कोई भक्ति कर सकता है। अपनी मन मर्जी से कभी भक्ति होगी नहीं। कोई भी जगत में देखो डॉक्टर ही बनते हैं ना, कोई डॉक्टर एमबीबीएस कर लिया, किसी ना किसी सीनियर डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है पहले, और ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे पहले एकदम ऑपरेशन नहीं करते, पहले जो सर्जन रहेंगे उसके आनुगत्य में रहेंगे, वो बोलेंगे ऐसे सब कैसे कैसे करना है, कैसे इंजेक्शन लगाना है बेबी का, कैसे कर सब कुछ बताते। तो बहुत समय 4-5 साल कम से कम रहना पड़ता है, कहीं भी जाओ आनुगत्य में रहना पड़ता है, बिना गाइडेंस में बिना आनुगत्य में जगत की शिक्षा भी नहीं मिलती एक कदम भी। आप कोई हारमोनियम सीख लो, आप कुछ भी सीख लो, किसी भी ट्यूशन मशीन सीख लो, सिलाई कुछ भी, क्या करना पड़ता है अनुगत्य में। तो भक्ति तो इतनी सरल चीज है, अगर अनुगत्य में करोगे बड़ी सरल है, बहुत सरल है। अगर अपनी मन मर्जी से करोगे क्या होगा, यद्यपि समाधि सु विधि रपि पश्यति ना कब्र न खाग्र मरीचि। अगर अपनी मर्जी से करोगे जन्म लग जाएंगे जन्म, और भक्ति का भाव ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति को समझ नहीं रहे। कोई कोई लोग कहते हैं अरे देखो आपके तो बाबा कुछ नहीं है, हमारे ऐसे बाबा देखे हैं
वो क्या आग पे चलते हैं। कोई कोई कहते हैं अरे हमारे बाबा ऐसे देखे पानी में चलते हैं, पानी के ऊपर चलेंगे। तो ये रूप गोस्वामी की ग्रंथ पढ़ोगे ना, बोले भक्ति नहीं है, भक्ति ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो जैसे बहुत सारे आप ग्रंथ अभी पढ़ेंगे ना, पता लगेगा हम जो कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ने हमें कितनी बड़ी महिमा बताई, भक्ति का स्वरूप लक्षण, भक्ति तत्व विवेक जो है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर सुंदर रूप में विवेचना बताई है। तो इनको हम धीरे धीरे सुनेंगे। मैं साधन भक्ति में आने के लिए पीछे का थोड़ा सा बता रहा था, ये क्या आनुगत्य का धर्म है, बिना आनुगत्य के नहीं होगा। अगर आनुगत्य में ठीक ठीक से रूप में भक्ति करे, कर्म से, योग से, तपस्या से, ये कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, और क्या है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के भी लक्षण है। शुद्ध भक्ति भी क्या है, पांच प्रकार की क्या है, शांत दास्य वाली भक्ति, सक्य वात्सल्य मधुर भक्ति, बहुत प्रकार के विभाग रूप को स्वयं ने दिए। तो साधन भक्ति क्या है, साधन भक्ति जब शुरू होती है, जब प्रारंभ, जब भाव को लक्ष्य किया था भगवान के चरणों में हमारे रति प्राप्त हो, वो सब भाव भक्ति होती है। और साधन भक्ति करते हुए दो प्रकार के, शुद्ध रूप में साधन करोगे, ठीक ठीक से हरिनाम करोगे, ठीक ठीक से गुरु जी की सेवा करोगे, ठीक ठीक से भगवान की सेवा करोगे। जैसे महाराज जी सुबह क्लास देते, मैं बताना भूल गया, अगर कोई सच में ही साधन भक्ति करना चाहते हैं तो 7 बजे से 8 बजे तक सुबह महाराज जी भक्ति सिद्धांत कृपा जी का आर्टिकल है उसके ऊपर कृपा जी ने बताया साधन भक्ति कैसे की जाती है। तो महाराज जी सुबह क्लास देते, अगर किसी को आना चाहे जिसमें थोड़ा रुचि है और कोई करना चाहते तो आ सकते हैं, या हमारा फेसबुक यूट्यूब पे भी आती है, डायरेक्ट भी लाइव भी सुन सकते हैं, उसमें बताया साधन भक्ति कैसे की जाती है। अगर साधन भक्ति ठीक ठीक से करोगे तो दो प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कोई बुखार की दवाई लेता है तो बुखार जाएगा, सर्दी कम होगी, लक्षण है ना। तो साधन भक्ति करने से क्या हो, क्लेश अग्नि जो मैं बता रहा था, साधन भक्ति में क्लेश सारे नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, और क्या होगा, जितने भी सुख हैं, जितने मंगल है, अब सुख की परिभाषा बताई रूप गोस्वामी ने, सुख किसे कहते सुख को भी 3 भागों में बांटा, कि जगत में जितना भी सुख है, अधिक धनवान होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, विषय के इंद्रियों के द्वारा जितने भी सुख लिए जाते हैं, और स्वर्ग आदि सुख जितने भी सुख है, एक तो विषय सुख है और एक क्या है इससे भी ऊपर करके क्या ब्रह्म सुख है, जो कि बड़े बड़े योगी आदि आदि ब्रह्म सुख को प्राप्त करते, और एक क्या है ऐश्वर्य सुख होता है, अन्य अन्य लोगों के जो सुख है, तीनों प्रकार के जो सुख है भक्ति से अनायास, साधन भक्ति से, भाव भक्ति की बात छोड़ दो, जितने प्रकार के सुख सब मिल जाते। और जो साधन भक्ति करता है ना, साधन भक्ति उसको क्या करता है, सब लोगों को आकर्षित कर लेता है, सब लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, सब लोग। और जैसे क्या होता है उसके अंदर दया जागती है, सब के ऊपर उनकी दया हो जाती है और सभी जीव उनसे प्रेम करने लगते हैं, और उसको क्या क्या दिखता है, चारों तरफ आनंद ही आनंद। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चौधरी के कुआ पदे कुआ पदे करी परम सुखी, दुख दूर गेलो चिंता न रही लो, चौधरी के आनंद देखी। कहते प्रभु जब से आपकी शरण में आया, आपकी शरण मैंने ली और आपकी भक्ति मैं करने लगा हूँ, तो दुख दूर गेलो, सारे दुख दूर हो गए, और क्या हो रहा है चौधरी के आनंद देखी, चारों तरफ आनंद, इधर आनंद, उधर आनंद, इधर आनंद, जब आगमन करके देखता हूँ तो इधर आनंद, भगवान का दर्शन होता है। तो भक्ति करने से क्या होता है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, सारे प्रकार के सुख जो चाहो वो मिलेगा। पर भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग जागते सुखों को छोड़ देते, देखते भी नहीं उनकी तरफ, वो क्या करते हैं, जब भक्ति करोगे ना आप तो अन्य अन्य प्रकार के लोभ आते, माया देवी परीक्षा लेती है बहुत प्रकार की, पर यदि आनुगत्य हुआ ना सुख भक्तों का तो बच जाओगे, नहीं तो इन्हीं चक्कर में पड़ जाओगे, बस इन्हीं को लेकर और वहां भक्ति खत्म। इसलिए हमेशा क्या करना है, हमेशा गुरु जी के अनुगत्य में किन चीजों से बचना है, किन चीजों का पालन करना है, और लोग आएंगे प्रलोभन आएंगे कैसे इनको करना, काम की प्रतिष्ठा साधन भक्ति करने भी आने लगेगा। अगर ठीक से साधन करो, ठीक से साधन, आपके पास धन आएगा, खूब धन आएगा, आपके पास खूब लोग आने लगेगी, आपको प्रणाम करने लगेगी और आपके पास प्रशंसा खूब आएगी, इसी चीज में बह जाते व्यक्ति साधन भक्ति में। पर यदि गुरु की कृपा हो, शुद्ध भक्तों का सब हो, इन चीजों से बच के आगे भी हमें जाना है। तो कैसे हमें जाना है, कैसे भक्ति क्या है, साधन भक्ति में फिर क्या है, मोक्ष लघुकृता,
जो कि मोक्ष है, इतना दुर्लभ वस्तु है मोक्ष, वो भी तुच्छ हो जाता है मुक्ति देवी भक्ति के चरणों में। मुक्ति देवी जितने भी धाम है, गया, गंगा, काशी, कैसे भक्ति देवी की कल सेवा करते हैं, रूप गोस्वामी ने कैसे बताया है कि मुक्ति भी कैसे चरणों में भक्ति देवी की पड़ी रहती है, कल हम इसको बताएंगे। अभी कुछ अनाउंसमेंट है उनको आप लोग सुन लीजिए। हरिनाम संकीर्तन किया था हमने रविवार को, कौन कौन लोग आए थे हाथ उठाओ, कितना आनंद आया था, कितना आनंद सो सकते। हम लोग कीर्तन करते गए, पार्क में गए, वहां जो लोग एक्सरसाइज करते थे ना सारे भी, ये शरीर में कुछ समय रहता है और कुछ समय के बाद कितना ही कोशिश करो बीमार हो जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, पर वहां लोग जितना भी एक्सरसाइज कर रहे थे ना पार्क में, सभी लोग देखकर हमारे कीर्तन को देखकर नाच रहे थे, क्योंकि एक शारीरिक होता है और एक होता है आत्मा, परंतु लोग भूल गए भगवान को, आत्मा को ज्ञान नहीं है, शरीर में लग रहे खाने पिलाने में, और परंतु इसकी रक्षा कर भी नहीं पा रहे हम लोग। हर संडे को रूप गोस्वामी की दया है, उन्होंने कहा कि हरिनाम संकीर्तन अगर कोई नाम करता है उसका तो फल मिलेगा, पर कोई नाम संकीर्तन करता है उसको क्या होता है, सब जीवों का कल्याण होता है, पेड़ पौधों पक्षी का, जो जो लोग सुनना भी नहीं चाहते उनका भी कान में आता तो मंगल होता है। ये हरिनाम संकीर्तन हम हर संडे को करते हैं। अगली बार संडे का जब हम नगर संकीर्तन करेंगे ना, हम उस दिन तो छुट्टी है ना, उस दिन छुट्टी है ना, इसलिए हम देखना चाहते हैं, हम जितने यहाँ बैठे हो सबको आना हम देखना चाहते हैं, सबको आना देखना चाहते हैं। मंदिर में 6:30 बजे आना, 6:30 अगर शादी में हो ना, 10 दिन पहले से तैयारी बैठे शादी में जाए, सारे काम को पीछे कर दी, और इससे जीव का जितने कल्याण और किसी में भी कल्याण नहीं है, उसे इतना कल्याण नहीं। इसलिए इस बार आप देखो, हर बार में नहीं रहता, इस बार मैं हूँ, एक बार देखा बड़ा आनंद आया। इस बार हम चाहते एक व्यक्ति सबको हम देखना चाहते हैं, सबके जैसे आए, एक एक व्यक्ति 10-10 को लाए, हाँ एक एक व्यक्ति 10-10 को लाए, क्योंकि यहाँ तो बैठने की व्यवस्था कम है, पर सड़क बहुत बड़ी है, चिंता ना करो, एक एक व्यक्ति 10-10 को ला सकते हैं। और हम लोग सुबह 6:30 बजे यहाँ मंदिर में मंगल आरती 6 बजे करेंगे, क्योंकि लोग लेट आते हैं, 6:30 बजे से क्या करेंगे हम लोग निकलेंगे नगर संकीर्तन में, 6:30 बजे तो यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पर यहाँ सामने जो सब्जी मंडी उसके सामने से स्टार्ट करेंगे, और रविवार को प्रोग्राम जो शाम का होता है उस दिन शाम का प्रोग्राम नहीं है महाराज जी, विशेष करके हम विकासपुरी में जा रहे हैं, बस लेकर जा रहे हैं, जो भी जाना चाहे हमारे साथ सब लोग चल सकते हैं। हम 3 बजे यहाँ पर बस स्टार्ट होगी, 3 बजे निकलेंगे, तो सभी लोग रविवार का जो प्रोग्राम है वो 3 बजे सब लोग आ जाएंगे, यहाँ से महाराज साहब प्रोग्राम में जाएंगे और वहाँ भी थोड़ा सा कीर्तन करके कथा करके वापस 10 बजे तक आ जाएंगे प्रसाद पाके, और फिर मंडे से दोबारा से ऐसी कथा रूप गोस्वामी जाना फ्री, आना फ्री और प्रसाद फ्री, सब सब फ्री फ्री है। और वहाँ पर थोड़ी सी नगर कीर्तन वहाँ थोड़ी सी करेंगे थोड़ी सी, और वहाँ पर एक भक्त ने वहाँ से पालक की यात्रा निकालते हैं, हर संडे को भी गली गलियों में घर घर में पालक ठाकुर जी को ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने कल से संडे से ही उन्होंने शुरुआत किया था, इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे सब मिलजुल कर कीर्तन करके फिर प्रसाद पाके वापस जा जाएंगे। राज के प्रसाद की जो व्यवस्था की है बहुत अच्छा चल रहा है, भक्त लोग बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं इसमें, और भगवान भी उन पर कृपा करेंगे, गुरुदेव भी उन पर कृपा करें, महाराज जी भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है, हमारे जो इसमें जितने लोग हैं सबसे ज्यादा एज वाले, सोच नहीं सकते कितने दूर से आते हैं, ये बाबा जगत लगा हुआ है, क्योंकि ये रोज आते हैं बहुत, अशोक मेरा चाहते हैं, इनकी एज पता है कितनी है, सोच सकते हैं 84 84 साल के, यहाँ पर शायद कोई नहीं होगा 84 साल का, रोज कथा सुनने आते हैं, कथा भी सुनते हैं और लास्ट में भी जाते हैं, और प्रसाद भी किया सब लोगों के लिए प्रसाद, आज इन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की है, बाबा के लिए 2000 साल में होगा। और ऐसी इच्छा, कुछ लोग तो अपने आप प्रसाद पाते हैं, कुछ लोग सबको खिला के पाते, तो इनकी महिमा तो बढ़कर ही है। तो ऐसे बाबा की जो इच्छा है, ऐसी सद इच्छा हमारे सबके हृदय में जागृत हो, हम भी भक्तों को खिलाएं, क्योंकि वैष्णव सेवा रूप गोस्वामी बताएंगे आगे आगे, वैष्णव सेवा क्या है, परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला, जितनी भी सिद्धि है भगवान की सेवा से बड़ी क्या है, वैष्णव की सेवा है, वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी है, जो भक्तों की सेवा करते हैं उनको भगवान शीघ्र ही अनायास ही मिल जाते हैं। इसलिए बोलो बाबा का नाम क्या है, दादू राम भक्त हनुमान की जय।
जय सचिनंदन गौर हरि की, जय गुरुपाद पद्म की, रूप गोसाई पाद की, रूप शिक्षा की जय। अभी आरती होगी, आरती में ड्रम नहीं बजाना, प्रार्थना करेगा प्रथम बजाना ठीक है। और ये माइक की वो इधर कर दे। ठीक है, कल हम लोगों ने बताया था ना ठाकुर का आरती कैसे करनी चाहिए, बताओ तो धूप कहाँ पर घुमानी चाहिए? नाभि से। और दीप कहाँ घुमानी चाहिए? चरण में। कितना बार घुमानी चाहिए? और उनको बख्य स्थल में और सर में तीन, और पूरा शरीर में। और उसको बाद में शंख में पानी देनी चाहिए, फिर कपड़े से पोछा लगानी चाहिए, फिर उसके बाद में पुष्प देनी चाहिए, फिर चांबर भजन करनी चाहिए, और उनको पंखा झुलानी चाहिए, मयूर पंख दिखानी चाहिए। इसलिए हर घर में और शंख में पानी होनी चाहिए। शंख में जैसा मुंह धोते हैं, इसलिए जरूर एक छोटी सी शंख हो, एक शंख का स्टैंड होता है, उसको ऊपर में शंख रहनी चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए। फिर कल और कुछ कथा सुनेंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते हैं? हम तो ठाकुर को सामने रख लेते, थाला रख लेते हैं, ठाकुर जी खाओ, लेकिन उसका भी कुछ विधान है। ठाकुर जी का हम भोग लगाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे, किस मंत्र से भोग लगाएंगे और किस रूप में भोग लगाएंगे, फिर हम ये चीज को कल सुनेंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे लगानी चाहिए, ठीक है? इसलिए हाँ आप निकाले हो बात, हाँ ठीक है। कल आप लोग को ये सब एक प्रिंट निकाल करके पेपर आप सबको देंगे। और देखो जिन लोगों ने पहले महीने कुछ लोगों को गले में माला दिया था, पहले हरिनाम दिया था और तिलक, लेकिन अभी कुछ भक्तों को देखता हूँ गले से माला ही है, तिलक है नहीं, माला पता नहीं कहाँ खो दिया माला, बोले गुरु जी माला ही खोल गया, लेकिन गले की सोने की चेन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई अपना साड़ी कपड़ा कोई नहीं, लेकिन और सब चीज खो गई नहीं। देखो मैंने देखो ये चीज को मैं बारम्बार बोलता हूँ, गुरु जी को हाथों से जब एक बार माला हमने पहन लिया, अगर गले से माला उतर गया ना, जब तक माला को दो बार नहीं पहनेंगे तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पीते हैं कंटी है, इसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाने पर पवित्र होता है। कोई पानी जब बोलते हैं वो पवित्र बन करके पानी निकलती है। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर माला गला से उतर गया, उसी माला को दो बार ऐसे नहीं नया माला पहनना पड़ेगा, नहीं, उसी माला जितना पूर्णा होना उसमें उतना शक्ति आती है। जो जब करते हैं माला कोई टूट गया, नहीं नया माला नहीं, हम इतना दिन तक जब हरिनाम किया माला में, हरिनाम करते करते वो शक्ति माला में रहता है। अगर हमने वो माला को बदला दिया वो शक्ति चली गई। वो माला को दो बार पो करके माला को पहन लेनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे गले से माला अगर उतर गया, अगर हटा तो कोई तुम्हारी शरीर छूट गई सीधा नरक जाओगे, क्योंकि गले में कंठी रहेगा ना, जंतु जब देखेंगे गले में कंठी है वो दूर से प्रणाम करते हैं, भैया ये पालतू कुत्ता है, ये फालतू नहीं, ये ठाकुर जी की, ये पालतू है, गले में कंठी नहीं मतलब हम फालतू कुत्ते हैं रोड रोड में घूमने वाले। इसलिए हमें फालतू कुत्ता नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हमें पालतू होनी चाहिए। इसलिए हम सुनते हैं मरने का बाद जीव को एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, ये भागवत में भगवान कपिलदेव कहते हैं। और जो नदी केवल टाटी पेशाब खोद पीत का होता है उसको पार करना पड़ता है, इसलिए 13 दिन बाद में शुद्धि होते है ना, क्यों, वो नदी पार करने के लिए 13 दिन लग जाती है, इसलिए भारत में 13 दिन को बाद में शुद्ध होते हैं। बोले भैया नदी कौन पार करता है? बोले जिसको गले में तुलसी कंठी नहीं वही लोग है, गले में कंठी होना कभी वो बेहतर नदी पार नहीं करो। इसलिए नियम है गुरु जी से जो माला लिए हो हर समय पहन रहना, टूट गए तो दो बार पो करके पहन लो, और जब तक नहीं पहने तब तक पानी मत पियो, खाना नहीं खानी चाहिए, उसको बाद में पहन करके पानी पीनी चाहिए, ठीक है ना। कंठी माला तिलक ये तीन चीज को एकदम पक्का रखो, ये तीन चीज को तिलक कंठी माला ये तीन चीज हमारी पक्की रहनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, खड़े हो जाओ ठाकुर जी आशीर्वाद।
कृष्णा मेरा भी लिखा है नहीं I'm gonna make it.
Thank you.
सभी लोग ठाकुर जी की, ठाकुर जी ने बताया था ना ठाकुर जी के सामने नृत्य करने की क्या महिमा है, इसलिए कुछ भी नहीं करना, जिसको नाचना आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठा कर, हरि बोल, बस एक बार आगे जाना है और एक बार पीछे जाना है, जो हमारी तरफ इधर है वो इधर से, जो उधर से वो उधर से, ठीक है, बोलो निताई गौर प्रेमानंद, बोलो निताई 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 गौर
ये आखिरी बार हो सकता मौका मिले ना मिले तो भाई इसलिए सभी ने एक बार हाथ उठा करके सभी लोग हिंदाई गंगा